हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर नवंबर 20 की आरटीपी जो आईसीआई रिलीज कर दिया है, अब हम उसका अब कंप्लीट क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं, डिस्कशन नहीं, कंप्लीट हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, आपको मालूम होना चाहिए आईसीआई की आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मॉड्यूल में से बिल्कुल पेपर क्या होता है, बनता है। आइए इन क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, हम ये भी जज करते हैं कि किस लेवल की क्या दी गई है, आरटीपी दी गई है, हमें कितनी टफ लग रही है, हमारे लिए कितनी क्या है, आसान है, हमारी प्रिपरेशन किस तरह की है। आइए हम इसे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ और उसके क्या है क्वेश्चंस है। शुरू में इन्होंने जनरल क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि 30 अप्रैल 2020 तक जितने सर्कुलर नोटिफिकेशंस आ चुके हैं वो एप्लीकेबल होंगे। फिनेंस एक्ट 2019 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सर्टेन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अमेंडमेंट्स हमारे एग्जाम में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो इनफोर्स नहीं हुए थे 30 अप्रैल 2020 तक। तो वो जनरल इंफॉर्मेशन जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सभी को बिल्कुल अच्छे से ऑलरेडी पहले से ही क्या है मालूम है, तो उस पर टाइम नहीं लगाते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं। हमको कहा जा रहा है क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5 जो है बेस्ड ऑन द केस, मतलब एक केस दिया गया है, उस केस पे हमको फर्स्ट 5 क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करने, सिनेरियो गिवन बिलो। अब वो केस का सिनेरियो हमको नीचे दिया है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेगा आप इसको और किस तरीके से एग्जाम में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, वो मैनर वो मेथड आपको ये आरटीपी सॉल्व करते हुए आपको हमसे सीखनी है। क्वेश्चन है स्टार कार्ट, जैसे फ्लिपकार्ट है, इन्होंने क्वेश्चन बनाया है किसका, स्टार कार्ट का। लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट ए वेब पोर्टल, वेब पोर्टल का मतलब क्या हो गया, ईसीओ हो गया। आइए अब ईसीओ की कुछ बात कर लें। अगर आप 9-5 वाले ईसीओ हो तो आपको जीएसटी में क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अदर देन क्या हो, 9-5 वाले ईसीओ हो तो आपको जीएसटी में तभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप पे टीसीएस की क्या होती है, लायबिलिटी आती है। तो सेक्शन 24 से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आपको क्या करना हो, टीसीएस करना हो। और समझते हम ईसीओ को, ईसीओ को क्या करना होता है, 0.5% टीसीएस करना है सीजीएसटी का, 0.5% ही टीसीएस करना है एसजीएसटी का, अगर सप्लाई कौन सी होती है, इंट्रा स्टेट होती है। अगर सप्लाई इंटर स्टेट है तो 1% वो क्या करेंगे, टीसीएस करेंगे, वो टीसीएस को क्या करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे नेक्स्ट मंथ के कौन से तक, 10 तक, अलोंग विद फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर, कौन सा होता है, 8 होता है, स्टेटमेंट होता है, उन्हें एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर किससे, 9B से। ओके, वो जो टीसीएस क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, वो जो टीसीएस डिपॉजिट करवाते हैं वो सप्लायर को ई कैश लेजर में क्या हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है, ई कैश लेजर में क्या होता है, क्रेडिटेड हो जाता है। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा ईसीओ के प्रोविजन को लेके, जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स है, जी हाँ, जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स है ईसीओ के थ्रू क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, उसे क्या करना होगा, जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, वो बिकम क्या बन जाएगा, टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। फिर वो जो भी सप्लाई करेगा ईसीओ के थ्रू करेगा और अदर देन ईसीओ करेगा, उस सप्लाई पे, सभी सप्लाई पे उसके क्या लगेगा, जीएसटी लगने वाला है। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस की बात करें तो सप्लायर ऑफ सर्विस को 20 लाख की क्या दे दी गई है, या 10 लाख, वॉट एवर जो भी उनपे एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, वो उनको प्रोवाइड कर दी गई है, नोटिफिकेशन आ चुका था। तो सप्लायर ऑफ सर्विस वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वंस उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, तो फिर उन्हें क्या होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और तभी ईसीओ को उनका क्या करना होगा, टीसीएस भी करना होगा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, ईसीओ को टीसीएस तभी करना पड़ता है, ईसीओ को टीसीएस तभी करना पड़ता है जब सप्लाई का कंसीडरेशन किसको रिसीव हो रहा हो, खुद ईसीओ को रिसीव हो रहा हो। अगर सप्लाई का कंसीडरेशन किसको रिसीव हो जाए, डायरेक्टली सप्लायर को रिसीव हो जाए, तो फिर उस केस में क्या नहीं होता है, टीसीएस नहीं होता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी क्या है, पॉसिबल है कि खुद ईसीओ भी क्या करता हो, ओन सप्लाई करता हो, मतलब जो हमारा ईसीओ है वो खुद भी ओन अकाउंट भी क्या करता हो, सप्लाई करता हो। जो ओन अकाउंट क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, उस पे उसे टीसीएस नहीं करना होगा,
टीसीएस कब होता है, जब आप क्या करते हैं, थर्ड पार्टी क्या होते हैं, ईसीओ होते हैं, आपके एक्चुअल सप्लायर दूसरे होते हैं और वो आपके पोर्टल के थ्रू क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अगर आप अपने ओन पोर्टल के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो उस पे टीसीएस की कोई भी क्या नहीं आएगी, एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन हां आपको उस पे जीएसटी जरूर क्या करना पड़ेगा, पे करना होगा। अब एक बात और ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ईसीओ आपसे क्या करेगा, कमीशन क्या करेगा, चार्ज करेगा, या फिर आपसे लिस्टिंग के लिए भी क्या लेगा, पैसा लेगा, कंसीडरेशन लेगा। एक तो जो सप्लाई होगी उसका कमीशन भी वो ले सकेगा और एक फर्स्ट टाइम वो आपसे लिस्टिंग चार्जेस भी ले सकेगा। तो जो भी कमीशन वो चार्ज कर रहा है और जो भी वो लिस्टिंग कंसीडरेशन आपसे चार्ज कर रहा है, वो उसकी सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है, और उस सप्लाई ऑफ सर्विस पे उसके जरूर क्या बनेगा, जीएसटी बनेगा। क्या बनेगा? जीएसटी बनेगा, टीसीएस नहीं बनेगा। टीसीएस तो कब होता है, जब कोई तीसरा सप्लायर ईसीओ के थ्रू रिसिपिएंट को क्या करे, सप्लाई करे। यहां पर ईसीओ ने क्या करा है, सप्लायर से कमीशन चार्ज करा है, खुद रिसिपिएंट कौन है, सप्लायर है, और ईसीओ तो कौन, ईसीओ कौन है, खुद यहां पर सप्लायर है, और जो सप्लायर है हमारा वो यहां पर कौन हो चुका है, रिसिपिएंट हो चुका है। तो लिस्टिंग कंसीडरेशन जो भी चार्ज किया जाएगा या फिर जो भी कमीशन चार्ज किया जाएगा उस पर जरूर क्या होने वाला है, जीएसटी चार्ज होने वाला है। तो ये सारी बातें हमने किसको लेके समझी है, ईसीओ को कॉन्सेप्ट को लेके हमने समझी है, जितना भी हमको किसमें दिया है, जीएसटी लॉ के अंदर दिया है। तो आइए अब हम क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द नेम ऑफ कौन सा है स्टार कार्ड एंड इज रजिस्टर्ड विद द ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटीज इन दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है, ये रजिस्टर्ड है। वैसे भी ईसीओ वालों को नॉर्मली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन कौन सा है, 52। इन पे क्या लगता है, प्रोविजन लगता है सीजीएसटी एक्ट का। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, स्टार कार्ट प्रोवाइड्स लिस्टिंग सर्विसेज, लिस्टिंग के पैसा चार्ज करते हैं, टू वेरियस सेलर्स, सेलर्स जो हैं उनसे, फॉर सेलिंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स। स्टार कार्ड क्या कर रहा है, सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके एक्चुअल सप्लायर को जीएसटी में क्या करना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, और ईसीओ को क्या करना होगा, टीसीएस करना होगा। टू अल्टीमेट क्या है, कस्टमर्स को। बिसाइड दिस, इसके अलावा स्टार कार्ड ऑल्सो सेल्स इट्स ओन प्रोडक्ट्स थ्रू कौन सा है, सेम वेब पोर्टल, अपने खुद से भी क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं जिस पे टीसीएस नहीं होगा, लेकिन हाँ उस पे उन्हें जीएसटी जरूर क्या करना पड़ेगा, पूरा पे करना होगा। फॉर लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेलर्स स्टार कार्ड चार्जेस ए लिस्टिंग फी, स्टार कार्ड चार्जेस ए क्या है, लिस्टिंग फी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ गुड्स। कितना चार्ज कर रहे हैं वो, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ गुड्स क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, 10% टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर जो गुड्स क्या हुए हैं सोल्ड बाय द क्या है, सेलर इन ए पर्टिकुलर मंथ। तो जो भी आपने क्या करे हैं, सोल्ड करे हैं, सच लिस्टिंग फी, ये जो कौन सी है, लिस्टिंग फी है, रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस सेल का क्या लेंगे, 10% लेंगे लिस्टिंग फी, ग्रॉस सेल का, रिटर्न भी हो गई है तो भी उसका क्या लेंगे, 10% लिस्टिंग फी लेने वाले हैं थ्रू कौन सा, स्टार कार्ड, जो स्टार कार्ड के थ्रू सप्लाई होगी उसका 10% ये क्या लेंगे, आपसे लिस्टिंग चार्जेस लेंगे। ओके, द कस्टमर कैन चूज फ्रॉम वाइड रेंज, कस्टमर जो होगा वो वाइड रेंज ऑफ गुड्स से क्या कर सकेगा, चूज कर सकेगा, लिस्टेड ऑन द वेब पोर्टल एंड प्लेस एंड क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर फॉर गुड्स, जैसे अपन शॉप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सेम वैसा बता रहे हैं। द पेमेंट इज मेड, रेलिवेंट पॉइंट है, द पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर थ्रू द क्या है, पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब पेमेंट किसको करते हैं, स्टार कार्ड को, स्टार कार्ड को ही करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, टीसीएस होना है। एट द टाइम ऑफ मंथली स्टेटमेंट स्टार कार्ड मेक्स द पेमेंट टू द सेलर, मतलब पहले तो कस्टमर से खुद पेमेंट कलेक्ट करता है, फिर सेलर को क्या करता है, पेमेंट उसका रिमबर्स कर देता है। आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब जो टीसीएस होता है वो लेस करने के बाद में जो पैसा बनता है वो उसको क्या कर देता है, देता है एट द एप्लीकेबल रेट्स। एट द एप्लीकेबल रेट्स का मतलब है जो भी जिस भी रेट से टीसीएस होगा वो टीसीएस अमाउंट काट के रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देगा, एक्चुअल सप्लायर को वो दे देगा। इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन द स्टार कार्ड इज इश्यूड बाय द सेलर, ऑब्वियसली बात है इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, जो एक्चुअल सप्लायर होगा वही उसकी इनवॉइस क्या करेगा, इश्यू करेगा, वही डिटरमाइन करेगा कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब इंट्रा है या कौन सी है, इंटर है, कौन डिटरमाइन करेगा, एक्चुअल सप्लायर होगा वही उसकी इनवॉइस क्या करेगा, इश्यू करेगा, स्टार कार्ड इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा।
इन द नेम ऑफ कस्टमर्स एंड टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ क्या है सेलर एंड कस्टमर अकॉर्डिंगली क्या निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अच्छा एक बात आप समझिएगा, आप स्टार कार्ड के थ्रू ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई के अंदर क्या होगा मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, और जब भी सप्लाई के अंदर क्या होता है मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो जो हमारी क्या होती है लोकेशन होती है जहां पर क्या हुआ है मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है वो उसकी क्या बनती है प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है, वो उसकी क्या बनती है प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है। अकॉर्डिंगली सप्लाई डिटरमाइन करेगा कि नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा है या इंटर है। आगे बढ़ते हैं, द गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द क्या है सेलर, ऑब्वियसली बात है सेलर ही क्या करेगा शिप करेगा टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिपिंग द गुड्स ऑन कौन सा स्टार कार्ट फॉर क्या है थर्ड पार्टी सेलर, मतलब स्टार कार्ट को क्या नहीं करना है शिपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स ध्यान से समझिएगा रेलेवेंट पॉइंट है, बाय द कस्टमर द शिपिंग इज अरेंज्ड बाय द स्टार कार्ट, मतलब रिटर्न जो होगा तो कौन कलेक्ट करेगा फिर स्टार कार्ट करेगा, एक्चुअल सप्लायर नहीं करेगा। एक्चुअल सप्लायर तो क्या करेगा जब उसको सप्लाई करनी होगी तब का शिपमेंट करेगा, लेकिन रिटर्न होगा तो रिटर्न कौन करेगा, रिटर्न करेगा कौन सा स्टार कार्ट क्या करेगा अरेंज करेगा। उसके लिए इट चार्जेस से फी इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर से 20% क्या करते हैं चार्ज करते हैं। ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, पहले तो 10% चार्ज कर रहे हैं लिस्टिंग फी, जो भी रिटर्न होगा उसके क्या करेंगे 20% चार्ज करेंगे, ये भी इनकी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये इनकी सप्लाई ऑफ सर्विस है। फर्दर और 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न, जो वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न हुए 20% तो चार्ज करा है कस्टमर से और 10% चार्ज कर रहे हैं इस कलेक्टेड फ्रॉम सेलर से तो टोटल 30% क्या कर रहे हैं रिटर्न पे क्या करते हैं एज ए कमीशन क्या करते हैं वो चार्ज करते हैं, जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहे हैं उसके लिए 30% क्या करते हैं वो लेते हैं फ्रॉम द सेलर बाय स्टार कार्ट एज ए हैंडलिंग चार्जेस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ चुका है, अभी तक लिस्टिंग के 10% है, रिटर्न के केस में 30% है, 20% कस्टमर से और 10% किससे एक्चुअल सप्लायर से। इन द मंथ ऑफ जनवरी, अब क्वेश्चन है आपके लिए जनवरी मंथ का, पुलकित ए रेसिडेंट ऑफ कौन सा है राजस्थान परचेज ये रिसिपिएंट है राजस्थान का है, राजस्थान का परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टार कार्ट, उन्होंने क्या करे हैं गुड्स परचेज करे, लैपटॉप Having a value of rupees कितना है 50,000, okay? And a printer having a value of rupees 10,000, मतलब total 60,000 का पुल कितने क्या करा है purchase करा है स्टार कार्ट ECO से। Both the products are sold by Infocom Limited, a seller listed on स्टार कार्ट, obviously बात स्टार कार्ट पे listed होगा तभी क्या करेंगे आप ECO के through shopping कर पाएंगे, and registered तो होना ही है, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और ECO के थ्रू सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सप्लायर उत्तर प्रदेश का है, रिसिपेंट कहां का है राजस्थान का है, सप्लाई करेगा शिपमेंट करेगा कहां पर राजस्थान में, तो गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा राजस्थान में, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी कहां राजस्थान, और सप्लाई बिकम बन जाएगी कौन सी इंटरस्टेट बन जाएगी, तो यहां पर क्या चार्ज होने वाला है आईजीएसटी चार्ज होने वाला है। मोबाइल फोन परचेस करा है, हैविंग ए वैल्यू ऑफ रुपीज 30,000, हैविंग ए वैल्यू ऑफ रुपीज कौन सा है 30,000, यहां आप ध्यान रखिएगा इस केस में क्या होना है टीसीएस होना है, इस केस के अंदर क्या होने वाला है टीसीएस होने वाला है, ओके चलिए आगे चलते हैं। मोबाइल फोन परचेस करा है, हैविंग ए वैल्यू ऑफ रुपीज 30,000, सोल्ड बाय स्टार कार्ट इन ओन कहे कैपेसिटी, ओन कैपेसिटी तो यहां पर कोई भी क्या नहीं होगा टीसीएस नहीं होगा, लेकिन स्टार कार्ट को 30,000 पे क्या करना होगा जीएसटी पे करना होगा, ओके स्टार कार्ट को, और वो भी कौन सा आईजीएसटी, क्योंकि स्टार कार्ट कहां पे रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, और जो सप्लाई उसने दी है वो कहां पर दी है राजस्थान में, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा बिकम इंटरस्टेट आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, यहां क्या नहीं होना है इस वाले केस में कोई भी टीसीएस नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, सीसीटीवी, ओके सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैविंग ए वैल्यू ऑफ रुपीज 1,00,000 सोल्ड बाई सिक्योर वर्ल्ड, अब ये कोई दूसरा एक्चुअल सप्लायर है लिस्टेड ऑन स्टार कार्ट है
एंड रजिस्टर्ड होना ही अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब ये सप्लायर गुजरात का है, सप्लाई कर रहा है किसको, पुलकित राजस्थान को, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा राजस्थान, बिकम इंटरस्टेट आईजीएसटी लगेगा और इस केस में जरूर क्या होगा टीसीएस भी होगा, इस केस में जरूर क्या होगा टीसीएस होगा। क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सिंपल है, बस ईसीओ से रिलेटेड जो भी प्रोविजन जीएसटी लॉ में है उन सभी की क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ऑल द अबाउट ट्रांजैक्शन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, सिंपल, वेयर एवर एप्लीकेबल, ओके, देयर इज नो आईटीसी, नो आईटीसी, क्वेश्चन में आईटीसी की फफूंद ही नहीं दी आपको। बैलेंस ऑन 1st of January फॉर स्टार कार्ड, स्टार कार्ड के पास में कोई भी क्या नहीं है, आईटीसी नहीं है, ओके आपको बता देता हूं टीसीएस कैश में जमा कराना पड़ता है। टीसीएस का पेमेंट आप ई क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते, वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसका पेमेंट किसमें होगा, ई कैश से होगा। और जो भी टीसीएस डिपॉजिट कराएगा स्टार कार्ड, ओके, वो उसके एक्चुअल सप्लायर को ई कैश लेजर में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड कर दिया जाएगा, ओके। तो 1st January को स्टार कार्ड के पास में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इन्फोकॉम के पास भी नहीं है, सिक्योर वर्ल्ड के पास भी नहीं है, किसी के पास में ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का है ही नहीं। क्वेश्चन आगे बोल रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल इन अफोर्सेड केसेस, सभी पे जीएसटी लगना है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। एट द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9 अगर इंट्रा हो तो, और आईजीएसटी 18, तीनों ही केस में हमारे तो आईजीएसटी लगना है। बेसिस द अफोर्सेड केस सिनेरियो, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल केस था, बहुत सिंपल केस, इंस्टीट्यूट कह रहा हम केस बेसिस क्या करेंगे, पेपर लेंगे, तो ये जो केस दिया है ये तो एक्सट्रीम क्या सिंपल है। सिंपल इसलिए भी हो जाएगा, जिस बेस पे क्वेश्चन है उसको लेके पूरे जीएसटी लॉ में क्या क्या प्रोविजन है, सप्लाई में, रजिस्ट्रेशन में, टैक्स इनवॉइस में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई में, आईटीसी के अंदर सभी तरह के प्रोविजन आपको ध्यान रखने हैं, ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है द नेट टैक्स लायबिलिटी बताइए, इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एस टीसीएस, टीसीएस कितना पे करना है, तो टीसीएस तो पे करना है किसको, स्टार कार्ड को, एंड आफ्टर सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट, तो आईटीसी में आईटीसी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में, ओके, ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं और कुछ इनवर्ड सप्लाई ली नहीं, तो आईटीसी तो क्वेश्चन में है ही नहीं। ऑफ स्टार कार्ड लिमिटेड, तो स्टार कार्ड की आपको नेट टैक्स लायबिलिटी बतानी है, टीसीएस की भी बतानी है जो टीसीएस करना है, और खुद की जो ओन सप्लाई है वो भी बतानी है, ओके, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब हम इस क्वेश्चन को करें तो हम देखें, तो देखिए सबसे पहले तो 50,000 का क्या था, कंप्यूटर था, 50,000 का कंप्यूटर था, ओके, तो उस पे तो इनको क्या करना होगा, टीसीएस करना होगा, उस पे तो कौन सी लायबिलिटी आएगी, टीसीएस लायबिलिटी आएगी, ओके, क्या हो जाएगा, 500, 10,000 रुपए का क्या था, प्रिंटर था, उस पे भी टीसीएस लायबिलिटी आएगी आईजीएसटी के, कितने रुपए, 100 रुपए। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन भूले क्वेश्चन सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, एमसीक्यू कुछ नहीं मिल पाएगा हमको, ओके, तो ये कितने हुए, 100 रुपी। अच्छा, इसके बाद में उन्होंने 1,00,000 रुपी का सीसीटीवी कैमरा सिस्टम पूरा, जिसपे भी क्या होना है, सिर्फ टीसीएस ही होना है, तो वो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो ये तो वो हुआ है जो उनकी टीसीएस की लायबिलिटी है। अब खुद की सप्लाई की लायबिलिटी 30,000 रुपए का उन्होंने क्या करा है, मोबाइल 18% कौन सा आएगा जीएसटी, तो 3,000 तो एक, और ये आ जाएगा 5,000, कितना, 400। लिस्टिंग के पैसे उन्होंने क्या कहा था, 10% लेंगे जो भी क्या होगी सप्लाई होगी, टोटल सप्लाई इनके थ्रू जो हुई है वो हुई है 1,60,000 की। अगर 1,60,000 का वो 10% लिस्टिंग फी आपसे चार्ज करने लगे, क्वेश्चन में रिटर्न तो कुछ था ही नहीं, तो 16,000 रुपए तो वो आपसे क्या लेंगे, लिस्टिंग के, और उस 16,000 पे 18% क्या देंगे, वो जीएसटी देंगे। 16,000 का 18% जीएसटी हो जाएगा 2880। रिटर्न पहले वाले केस में, मेन केस में रिटर्न तो हुआ ही नहीं था, तो 30% रिटर्न की कमाई का केस ही नहीं है यहां पे, बाकी सब कुछ हम ले चुके हैं। अब हमको क्या करना है, टोटल करना है, आप भी अपने कैलकुलेटर पे करें, मैंने भी कैलकुलेटर रखा है, 5400 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस 2880, टोटल आ रहा है 9800, कौन सा है, 80 आ रहा है, 9800 कौन सा 80 है। आइए फर्स्ट का हम देखते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट में हो जाएगा डी आई जी एस टी 9880, ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।
चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऐसे पांच है, द नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है आफ्टर सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट, क्रेडिट ई क्रेडिट भी हो सकता है और ई कैश भी हो सकता है, जो भी है आपके पास में, जो भी है आपके पास में। जैसे हम क्वेश्चन में देखे तो आईटीसी तो आई नहीं, ना ओपनिंग बैलेंस था और इनवर्ड सप्लाई कोई थी नहीं किसी के भी, ना स्टार कार्ड के थी, ना इन्फोकॉम के थी, किसी की नहीं थी। तो आईटीसी तो इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक आया ही नहीं है। ओके, अब यहां पर ये कह रहे हैं आफ्टर सेट ऑफ ऑफ क्या है क्रेडिट, तो क्रेडिट तो ई कैश वाला भी हो सकता है जो टीसीएस आएगा, इफ एनी, अगर कोई है। ऑफ किसका, इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ड, दोनों की नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अगर हम सबसे पहले इन्फोकॉम की बात करें तो इन्फोकॉम ने सप्लाई करी थी एक तो कितनी 50,000 प्लस 10,000 रुपए का प्रिंटर, दोनों पे सेम रेट ही दी है क्वेश्चन ने, कितनी परसेंट 18%, 60,000 का 18% हम देखें तो इट इज 10,000, कितना आता है 800 आता है, 6,000 प्लस 4,800 बिल्कुल आ गया। ओके अच्छा, अब इन्होंने नेट पूछा है तो 10,000 क्या है 800 है, इनके पास में क्या आएगा टीसीएस भी तो आएगा, जो उन्होंने टीसीएस करा था 60,000 पे उन्होंने 1% 600 रुपए का क्या करा होगा टीसीएस करा होगा, 600 रुपए का उन्होंने क्या करा होगा टीसीएस करा होगा, आ रही है बात समझ में, 600 रुपए का टीसीएस, तो वो इनके ई कैश में आएगा। और क्वेश्चन यही था आफ्टर सेट ऑफ ऑफ, आफ्टर सेट ऑफ, तो ये लीजिए हमने 600 माइनस कर दिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 10% स्टार कार्ड ने आपसे लिस्टिंग लिए पैसे, अगर उन्होंने लिस्टिंग के पैसे लिए तो स्टार कार्ड तो हो गया सप्लायर और इन्फोकॉम हो गया उसका रिसीपेंट, अगर वो रिसीपेंट हो गया तो इसका मतलब उस सप्लाई ऑफ सर्विस पे लिस्टिंग कंसीडरेशन पे जो जीएसटी चार्ज हुआ उसका इन्फोकॉम को आईटीसी मिल जाएगा, एक आईटीसी मिला अभी। ओके, तो उन्होंने कहा था हम कितना आपसे क्या लेंगे कमीशन लेंगे लिस्टिंग के 10% जितनी सप्लाई हुई है, तो इन्फोकॉम की सप्लाई हुई है 60,000 की, 60,000 का 10% ले लेंगे कितना 6,000, 6,000 पे 18% उन्होंने जीएसटी चार्ज करा होगा, 6,000 पे उन्होंने 18% जीएसटी चार्ज करा होगा, तो 600 प्लस 480 तो 1,080 रुपीस का जीएसटी लगा होगा आईजीएसटी, तो उसका भी हमको आईटीसी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, 600 रुपए तो आएगा आपको कौन सा ई कैश लेजर के अंदर, ओके टीसीएस का क्रेडिट, और 1080 आ रहे हैं किस चीज के, जो 10% लिस्टिंग चार्जेस उन्होंने लिए, तो हम तो बन गए रिसीपेंट, वो बन गए हमारे सप्लायर, तो उन्होंने 6,000 रुपए कमीशन चार्ज कर लिया और 6,000 पे 18% जीएसटी लगा 1080 का। ओके, तो इस तरीके से इनकी नेट लायबिलिटी आप भी कैलकुलेटर पे करें, मैं भी करता हूं, 10,800 माइनस 600 माइनस 1080, तो ये आनी चाहिए हमारी और आएगी 9120। अच्छा, ये तो बात हुई है हमारी किसकी, इन्फोकॉम की। अब हमको करना है सिक्योर वर्ड, सिक्योर वर्ड से सप्लाई हुई थी कितने 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की सीसीटीवी कैमरा सिस्टम की, तो 1,00,000 रुपए पे 18% जीएसटी जो हमारा बनेगा वो बनेगा कितना 18,000 बन जाएगा उसका, उसको भी तो ई कैश में आएगा, उसको भी तो क्या आएगा ई कैश में आएगा, कितना आएगा 1,00,000 रुपए की सप्लाई करिए, 1% क्या होना है टीसीएस होना है, तो 1,00,000 का 1% टीसीएस हो जाएगा कितना 1,000, वो हमारे किसको सिक्योर वर्ड को ई कैश लेजर में क्रेडिटेड हो जाएगा। अच्छा, 10% लिस्टिंग चार्जेस इनसे भी लिए होंगे, तो 1,00,000 का 10% कितना 10,000, उस 10,000 पे 18% आईजीएसटी लगा होगा, वो आईजीएसटी इनके लिए क्या बन जाएगा आईटीसी बन जाएगा, आईटीसी बन जाएगा और वो बन जाएगा कितना 1,800, तो इनकी लायबिलिटी बनेगी, आप भी करिए कैलकुलेटर पे, 18,000 माइनस 1,000 माइनस 1,800, तो इनकी नेट लायबिलिटी जो बन रही है, नेट लायबिलिटी वो बन रही है 15,200 आईजीएसटी की। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आई एम ऑप्शन देखते हैं, 9120 15,200, अब हम देखते हैं किस में बन रहा है ये, तो ये बन रहा है हमारे सी में, ये बना सी में आईजीएसटी 9120 और सेकंड वाले का 15,000 कौन सा है 200, दोनों की आईजीएसटी लायबिलिटी। तो सिंपल क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा, हर वर्ड को चबाना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इन केस
इट इज अज्यूम्ड, अब ये क्वेश्चन क्या अज्यूम करके, डेट सिक्योर वर्ड्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई बात नहीं, नहीं हो तो क्या हुआ, फिर भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सप्लायर ऑफ कौन से गुड्स हो, ईसीओ के थ्रू अगर आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो आपको जीएसटी में क्या होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आपके ईसीओ को कंपल्सरी टीसीएस भी करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस की बात होती तो अलग प्रोविजन हो जाता। आगे चलते हैं, तो डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर एप्लीकेबल जीएसटी लॉ, जो भी लिमिट है 10 लाख 20 लाख 40 लाख का, भाई जो भी है वो कह रहे उससे ज्यादा नहीं है, इन केस इट इज अज्यूम्ड, ये गया है, पूछा गया है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, सिक्योर वर्ड है शेल डिस्चार्ज टैक्स ओनली ऑन द सेल मेड थ्रू स्टार कार्ट, नो, जब आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो अब आप बिकम बन जाओगे टैक्सेबल सप्लाई, अब आपको सभी सप्लाई पे क्या होगा, जीएसटी देना होगा, तो पहला वाला तो क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड, सिक्योर वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तीसरा, सिक्योर स्टार कार्ट शैल बी लाइबल टू डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी ऑन सेल्स मेड बाई, क्या है सिक्योर वर्ड, आंसर इज नो, उनको तो सिर्फ टीसीएस करना है, उनको सिर्फ क्या करना है, टीसीएस करना है, बाकी जीएसटी लाइबिलिटी तो किसको सप्लाई जिसको किसको पे करनी होगी, एक्चुअल सप्लायर को। डी पॉइंट, सिक्योर वर्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, ये सही है, एंड शैल बी लाइबल टू पे टैक्स, ये भी बात सही है, ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाई, बिल्कुल सही है, मेड थ्रू स्टार कार्ट, ये भी सही है, और ऑन इट्स क्या है, ओन, ये और नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, एंड ऑन इट्स ओन होना चाहिए था, एनीवेज हम फीलिंग समझ लेते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट ही क्या है, सही है, बस सिंपल सा बस हमको ईसीओ को लेके प्रोविजन अच्छे से आनी चाहिए, ओके, प्रोविजन आनी चाहिए। तीन पॉइंट हम इसमें कर चुके हैं, अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ पे, अज्यूमिंग डेट पुलकित रिटर्न द प्रिंटर, अब आया है रिटर्न का, रिटर्न प्रिंटर, 10,000 रुपए का प्रिंटर था, पढ़ते समय याद रखना है सब कुछ, हालांकि क्वेश्चन पेपर होगा हम पेज टर्न कर सकेंगे, ओके, तो प्रिंटर 10,000 रुपए का था, रिटर्न होगा, स्टार कार्ड 30% क्या लेगा, 20% कस्टमर से लेगा, 10% किससे लेगा, सप्लायर से लेगा, 30%, 10,000 का 30% 3,000, एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रिंटर जब सेल हुआ था तो इसका 10% लिस्टिंग का पैसा वो लेगा, भले वो रिटर्न हो जाए, उन्होंने कहा हम ग्रॉस पे लेंगे, नेट पे नहीं लेंगे, हम किस पे लेंगे, ग्रॉस पे लेंगे। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है क्वेश्चन का भी और जीएसटी लॉ का, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 10,000 का प्रिंटर रिटर्न हुआ, 30% इसको कमीशन मिल गया, यहां पर 3,000 रुपए की कमाई तो ये हो गई। जब 10,000 का प्रिंटर बेचा तो 10% उसकी कमाई लिस्टिंग के चार्जेस के नाम से हो गई, मतलब 1,000 और हो गई, 4,000 की तो कमाई हो गई जिसपे जीएसटी इसको पे करना है। एक बात, टीसीएस जो होता है वो सिर्फ नेट सप्लाई पे होता है, नेट टैक्सेबल सप्लाई पे होता है, नेट टैक्सेबल सप्लाई मतलब जितनी ग्रॉस सप्लाई हुई और जिसमें से जितनी सप्लाई क्या हो गई उसी मंथ में रिटर्न हो गई, मतलब जनवरी मंथ में जितनी सप्लाई हुई और जनवरी मंथ में जो सप्लाई क्या हो गई रिटर्न हो गई है, तो नेट टैक्सेबल सप्लाई अगर पॉजिटिव आता है तो उस पर क्या होगा, टीसीएस होगा, उस पर क्या होगा, टीसीएस होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्फोकॉम की 60,000 की सप्लाई हुई लेकिन उसमें से 10,000 की सप्लाई रिटर्न हो गई, तो टीसीएस 50,000 पे होना चाहिए अगर ये रिटर्न जनवरी मंथ में ही हुआ है तो, अगर ये रिटर्न कौन से मंथ में हुआ है, अगर जनवरी मंथ में ही हुआ है तो, एल्स नहीं तो पूरे 60,000 पे क्या होगा, टीसीएस होगा, जो हम करते हुए आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अज्यूमिंग द पुलकित रिटर्न द प्रिंटर परचेज फ्रॉम इन्फोकॉम लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, यस इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो 50,000 पे ही क्या होगा, टीसीएस होगा एज पर द रिटर्न पॉलिसी। वापिस से गीत गा रहे हैं, स्टार कार्ड चार्जेस 20% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज कैंसिलेशन चार्जेस फ्रॉम पुलकित एंड 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज हैंडलिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फोकॉम। मालूम था हमको द नेट टैक्स लाइबिलिटी, बताइए नेट टैक्स लाइबिलिटी बताइए, सब बतानी, इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज टीसीएस, तो खुद की जो लाइबिलिटी है जीएसटी की वो भी बताइए, और आप कौन सी लाइबिलिटी बताइए, आप लाइबिलिटी टीसीएस वाली भी बताइए, एंड आफ्टर सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट। हमारे यहां पर स्टार कार्ड को तो कोई क्रेडिट था ही नहीं, इनवर्ड सप्लाई कोई इसने ली नहीं, ओके, तो इसको कोई आईटीसी तो था ही नहीं, ओके, तो इसको तो कोई भी है ही नहीं क्रेडिट, इफ एनी, खुद ने बोल दिया, अगर है तो उसको सेट ऑफ करके बताओ,
ऑफ स्टार कार्ड इन सच सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, तो सबसे पहले लाइबिलिटी, सबसे पहले इनकी पूरी लाइबिलिटी बतानी है, स्टार कार्ड की पूरी लाइबिलिटी बतानी है। तो पूरी लाइबिलिटी क्या है, आपने सबसे पहले सप्लाई करी थी 50,000 की, उस पर 10% लिस्टिंग चार्जेस लिया, आया कितना रुपए, 500 रुपए, ठीक है ना। 50,000 का 10% 5,000, उस पर होगा 18% कौन सा, जीएसटी। 18% क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी उसकी निकलेगी कितने रुपए, 900 रुपए। ओके, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन को भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। 10,000 का प्रिंटर, 10% कमीशन, 1,000 रुपए का कमीशन, 18% उस पर जीएसटी लाइबिलिटी, मतलब 180 रुपए की ये लाइबिलिटी आ गई है। ओके, पहले तो मैं इसकी खुद की मेन लाइबिलिटी निकाल देता हूँ जीएसटी की। अच्छा, 1,00,000 रुपए का उन्होंने क्या करा है, सीसीटीवी, उस पे 10% कमीशन क्या करेंगे, कमाएंगे। तो 10,000 रुपए का क्या कमाएंगे, कमीशन कमाएंगे। 10,000 रुपए के कमीशन पे 18%, 10,000 रुपए के कमीशन पे कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1800, ठीक है, 1800 ये इनकी हुई। 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का खुद ने भी मोबाइल कैमरा बेचा, उस पे सीधी लाइबिलिटी कितनी निकालेंगे, 18% निकालेंगे, ठीक है, 18% निकालेंगे। तो 3,000 तो एक आ जाएगी, और 2,400 एक आ जाएगी, तो 30,000 का 18%, यस 5,000 कितना आ जाएगा, 400। ये तो आई है उनकी अभी लाइबिलिटी। अब उनकी और लाइबिलिटी के अंदर रिटर्न अमाउंट, 10,000 के केस में उनको 30% मिला, तो उनको मिल गया कितना, 3,000, ठीक है, उनको क्या मिल गया, 3,000 मिला। ओके, 20% प्लस 10% दोनों को मिला के बता रहा हूं 3,000, और उस पे भी उनको 18% जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, 540। ये तो उनकी मेन अकाउंट जीएसटी लाइबिलिटी आ रही है। अब हम बात करते हैं किसके टीसीएस की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी टीसीएस की। तो एक तो इन्फोकॉम से सप्लाई करी है, टोटल कितने की, 60,000 की, जिसमें से 10,000 रुपए की सप्लाई रिटर्न हो जाएगी, 50,000, और 50,000 का कितना होगा, 1% होगा, वो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ओके, 1,00,000 रुपीज की सप्लाई करी है आपने सीसीटीवी, ओके, उसका 1% टीसीएस की लाइबिलिटी और आएगी आपके ऊपर, और वो आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 1,000 आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। तो अभी तक हम, मेरे ख्याल से अभी तक हम कुछ भूले नहीं है, 10% वाला लिस्टिंग का भी कैलकुलेशन कर दी, 30% वाला आया उसकी भी कर दी है, ओन अकाउंट जो सप्लाई करी है उसकी भी हम लाइबिलिटी निकाल चुके हैं, टीसीएस लाइबिलिटी भी निकाल चुके हैं, हमको टोटल कर लेना चाहिए। ओके, 900 प्लस कितना है, 180 प्लस 1800, ओके, प्लस 5400 प्लस 540, ओके, प्लस कितना है, 500, और प्लस कितना है, 1000। तो ये हमारा आ रहा है, ये हमारी टोटल आ रही है कितनी, 10,320। आप भी देख लीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन भूलनी नहीं है, भूलनी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं भूलूं। ओके, आइए, और ये कौन सा था, फोर्थ था, ये रहा इसका 10,320 एज IGST। ओके, तो ये भी सिंपल ही था, ये सिंपल तभी होगा जब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, एक भी इंफॉर्मेशन छूटी तो MCQ क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इन्होंने कहा था पहले 5 क्वेश्चन इस केस पे बेसिस होंगे, लास्ट है स्टार कार्ड प्रोवाइड से गिफ्ट वाउचर होता है ECO के केस में, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर का बात समझें, तो गिफ्ट वाउचर अगर इश्यू करते समय सप्लाई आइडेंटिफाइड है कि उसमें कौन सी सप्लाई होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइड है, रेट ऑफ जीएसटी आइडेंटिफाई है, नेचर ऑफ सप्लाई उसके अंदर क्या आइडेंटिफाई है, तो फिर जिस दिन इश्यू हुआ वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है, अदरवाइज जब उसका क्या होता है, रिडम्पशन होता है। ओके, ये हमने इसका समझा कि जीएसटी लॉ में हमको ऐसा दिया हुआ है, हमको ऐसा दिया है, वैल्यूएशन में भी दिया हुआ है, हमको वैल्यूएशन में भी दिया है, क्या होगी वाउचर की वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम उससे रिडीम करते हैं, जितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो वर्थ ₹2,000 का पुलकित को दिया, 31 जनवरी को इश्यू कर दिया, विच कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी परचेज ऑफ गुड्स, एनी परचेज ऑफ गुड्स मेड इन फ्यूचर ऑन स्टार कार्ड, मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब क्या नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, द सप्लाई ऑफ कौन सा है, वाउचर इन द हैंड्स ऑफ स्टार कार्ड,
ओके वुड बिकम क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला, सप्लाई ऑफ 2000 लाइबल टू जीएसटी इन द मंथ ऑफ जनवरी, बिल्कुल नहीं हो सकता ये, ओके ये तो जब रिडम्पशन होगा तभी होगा। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 2000 लाइबल टू जीएसटी इन द मंथ इन विच सच वाउचर इज रिडीम्ड बाई क्या होगा, पुलकित, ठीक है, रिडीम्ड बाई क्या होगा, पुलकित, हाँ ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। आगे के और हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ये हमको सही लग रहा है। डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित ऑन द परचेजेस मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड नो टैक्स वुड बी पेबल ऑन सच वाउचर, बिल्कुल भी नहीं, डिस्काउंट का इससे किसी तरह का कनेक्शन नहीं है, ओके डी वाला भी डिस्काउंट को लेके नहीं, तो ये हमारा होना चाहिए बी, ये हमारा होना चाहिए कौन सा, बी। तो इस तरीके से हमने अभी, ठीक है ना, फर्स्ट 5 क्वेश्चन यहां पर क्या करे हैं, अभी सॉल्व करे हैं, ओके यस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 और 10 भी क्या है, केस के बेस पे है, एक केस दिया है उनके बेसिस पे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एडवांस ट्रेडर इज ए पार्टनरशिप क्या है फर्म इन जयपुर में, तो जयपुर में एक पार्टनरशिप फर्म है राजस्थान, द फर्म हैज ऑप्टेंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एट इट्स हेड ऑफिस इन जयपुर, तो जयपुर में ये क्या है, रजिस्टर्ड है। फर्दर, द फर्म इज हैविंग इट्स डिपो फॉर स्टोरेज ऑफ किसके लिए, गुड्स के लिए, लगता है सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, इन अदर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, इन राजस्थान में इनके क्या है, डिपोज हैं, द डिपोज आर एडेड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है दो, हालांकि आपको मालूम है अब सेम स्टेट के अंदर इवन सेम बिजनेस भी है तो भी आप उसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इन्होंने नहीं लिया है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया, इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्टेंड एट हेड ऑफिस, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जैसे पहले का क्वेश्चन जनवरी मंथ था, अब ये कौन से के लिए, जुलाई के लिए है। आइए अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन को और। एडवांस ट्रेडर, नाम है एडवांस ट्रेडर, एडवांस नहीं आया, एडवांस ट्रेडर्स रिसीव्ड गुड्स, रिसीव्ड हुआ है गुड्स, ये तो इनवर्ड सप्लाई होनी चाहिए वैसे, वर्थ रुपीज 5 लाख फॉर विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस ऑलवेज किस में पे करना पड़ेगा, कैश में ही आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th of July, अगर आपको मालूम हो टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम के केस में ऑफ कौन सा है, गुड्स, तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुए वो, ओके इनवॉइस का कौन सा डे होगा, 31st क्या होगा, डे होगा, इनवॉइस का कौन सा डे होगा, 31st क्या होगा, डे होगा, तो और जिस दिन क्या होता है, पेमेंट होता है, तो तीनों में से जो भी दिन अर्लियर होगा वो बिकम बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th of July, द सप्लायर इशूड एन इनवॉइस डेटेड 24th of July, अब अगर आप इसका 31st निकालेंगे तो वो बाद में आएगा, एंड द पेमेंट वॉज मेड बाई द एडवांस ट्रेडर ऑन 30th July, तो तीनों दिनों में से जो भी दिन अर्लियर होगा, 31st निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम निकालें वैसे सॉल्व करते समय हम निकाल लेंगे, लेकिन वो 31st डे बाद में आना है और हमें लेना है विच वाज अर्लियर, तो 20 तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, 25th of July ही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, तो लायबिलिटी हमारे लिए कौन से मंथ की आ गई, जुलाई, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अकाउंटेंट द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1st of August, अब ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये लायबिलिटी कौन सी की होगी, जुलाई मंथ की होगी, लेकिन आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, बाद में करा, तो आप बाद के रिटर्न में आप क्या करोगे, बाद में आप इसको क्या करोगे, दोगे, बाद दोगे, तो ये लायबिलिटी आपके बाद वाली रिटर्न में जाएगी, जब बाद वाली रिटर्न में जाएगी तो ये क्या होगा, उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एड होगा और फिर वो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट के साथ होगा, बात को समझेगा, बात को समझेगा, अगर आप जुलाई मंथ में डिटेल दोगे ही नहीं तो ये जुलाई मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट ही नहीं बनेगा, दो हालांकि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा है, जुलाई ही है, बाद में पे करोगे अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, लेकिन आज ये जुलाई मंथ की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जब आप इसको रिटर्न में, जिस महीने के रिटर्न में आप ये इंफॉर्मेशन दोगे, ये उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एड होगा,
टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई है, ब्याज सहित आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ब्याज सहित पे करना पड़ेगा, लेकिन ये जुलाई मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। ये जुलाई मंथ की टैक्स लायबिलिटी में क्या नहीं होने वाला है, ऐड नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, ध्यान रखिएगा, अगर पहले वाले को आपने जुलाई महीने की क्या मान ली, लायबिलिटी मान ली, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लिया, मान लिया, आपने बता दिया सॉल्यूशन में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब आप डिटेल दोगे ही नहीं, रिटर्न में जाएगा ही नहीं, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा ही नहीं। ओके, हालांकि लायबिलिटी जुलाई मंथ की है, ब्याज सहित पे करना पड़ेगा, लेकिन कब, जिस महीने में हम उसकी डिटेल देंगे, वो उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होने वाला है। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, इन द मंथ ऑफ कौन सा, जुलाई, एडवांस ट्रेडर इश्यूड वाउचर, वाउचर पे अभी डिस्कशन हुआ था, अगर आइडेंटिफाई है तो जिस दिन इश्यू हुआ वही उसका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, अदरवाइज जब उसका रिडेम्पशन होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। तो वर्थ रुपीस कितने का, 2 लाख रुपए का, टू इट्स कस्टमर्स को, विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स, अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स है, जुलाई मंथ में इश्यू करा है, तो ये जुलाई मंथ की ही क्या बनने का, लायबिलिटी बनेगा। ऑल्सो सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स है, वर इश्यूड किए गए थे वाउचर, वर्थ रुपीस कितने के, 5 लाख रुपीस के वाउचर इश्यू किए गए थे, द सेड जो वाउचर्स थे, वो जो वाउचर्स थे कितने के, 5 लाख रुपीस के, वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट 6 मंथ, तो वो उसकी लायबिलिटी आज नहीं बनेगी, वो जब रिडीम होंगे तभी उसका क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और वो तभी की उसी महीने की क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ऐड होगा। लेकिन यस, 2 लाख के रेस्पेक्ट में वो जुलाई मंथ की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होने वाला है। मिस्टर एक्स, ए पार्टनर इन ए फर्म, बुक्ड ए होटल इन उदयपुर के अंदर, राजस्थान, फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है, इनपुट सर्विस नहीं है। ओके, ये इनवर्ड सप्लाई आपकी इनपुट सर्विस नहीं है, ये पर्सनल पर्पस के लिए ली गई है। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और हमको ITC सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है। द एडवांस अमाउंट ऑफ ₹5 लाख फॉर द बुकिंग द होटल वॉज पेड बाई द ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ कौन सा, एडवांस ट्रेडर इन जुलाई। द होटल चार्ज GST ऑन सच बुकिंग एट द रेट ऑफ ₹28% 14+14 ओके, या 28% IGST जो भी लगेगा एज द केस में बी ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड इश्यूड ए कौन सा है, रिसीव वाउचर। हमको इसका ITC नहीं मिलेगा, हमको इसका ITC नहीं मिलेगा। एडवांस ट्रेडर्स मेड ए सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹25 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आउट ऑफ द अफोरसेड सप्लाई 25 लाख में से गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर नॉट लायबल टू क्या है, GST। हाउएवर, हालांकि एडवांस ट्रेडर ने गलती से क्या कर लिया, उस पर GST चार्ज कर लिया और कलेक्ट भी कर लिया फ्रॉम कस्टमर से। और यू नो, एज पर हमारे सेक्शन 76, जो सप्लाई पे GST नहीं होना है, अगर आपने उस पर टैक्स कलेक्ट कर लिया, अमाउंट कलेक्ट कर लिया, रिप्रेजेंटिंग क्या है, टैक्स GST, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ता है उसके लिए, और उसके लिए विदाउट एनी टाइम लिमिट शोकॉस नोटिस इश्यू कर सकेंगे। शोकॉस नोटिस इश्यू करेंगे, सेक्शन 76 का रेफरेंस होता है, विदाउट एनी टाइम लिमिट शोकॉस नोटिस आ सकेगा। डिमांड ऑर्डर 1 साल में पास किया जाता है, MCQ के लिए रेलिवेंट है। ओके, MCQ के लिए रेलिवेंट है। अगर कोई सप्लाई पे GST नहीं लगना है या कम लगना है, या आपने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, एग्जम्प्ट सप्लाई पे ले लिया, या जो सप्लाई नहीं है उस पे GST ले लिया, नाम क्या लिया है GST, आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और उसके लिए सेक्शन 73-74 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। विदाउट एनी टाइम लिमिट शोकॉस नोटिस दिया जा सकेगा, लेकिन डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट कितनी होगी, उसमें 1 ईयर होगी। ओके, 1 ईयर की क्या है, डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है। 100% पेनल्टी का, टैक्स अमाउंट की 100% पेनल्टी का भी क्या है, प्रोविजन है। बात आई है, इसलिए क्या हुआ, याद आ गया। तो 5 लाख पे GST ले लिया, जमा कराना पड़ेगा। 25 लाख पे जमा कराना पड़ेगा पूरा GST, और 2 लाख का वाउचर उस पे भी जमा कराना पड़ेगा। ड्यू टू क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर के लिए सुनिए,
अगर कोई भी क्लेरिकल एरर हो, अर्थमेटिकल एरर हो, कोई टाइपिंग की क्या हो एरर हो, एक्सीडेंटल स्लिप हो, ओके, तो आपको ध्यान होना चाहिए विदाउट एनी टाइम लिमिट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है ये पॉइंट यहां के लिए रेलेवेंट नहीं हो, लेकिन बात समझिए, अर्थमेटिकल क्या है, एरर है, क्लेरिकल एरर है, टाइपिंग एरर है, एक्सीडेंटल स्लिप है, विदाउट एनी टाइम लिमिट एमसीक्यू के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है, केस बेसिस बहुत रेलेवेंट हो सकता है। विदाउट एनी टाइम लिमिट क्या कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। अदरवाइज जीएसटी लॉ में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करने की टाइम लिमिट 6 मंथ है और अपीलेट ट्राइब्यूनल को 3 मंथ है। एनीवेज हम आते हैं, ड्यू टू क्लेरिकल एरर एडवांस ट्रेडर मेड ए डिपोजिट इन माइनर हेड पेनल्टी में ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी, आईजीएसटी के पेनल्टी में आपने जमा करा दिया है, डिपॉजिट करा दिया है 3 लाख रुपीस। अब तो आपको ध्यान है 49 सबसेक्शन 10, देखे किस तरीके से लिंकेज करना है क्वेश्चन पढ़ते समय, ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ डाला, क्वेश्चन पढ़ते समय क्या क्या प्रोविजन है 49 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 11 रेड विद रूल 87। अब तो ई कैश लेजर के एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड, दूसरे मेजर हेड और उसके किसी भी माइनर हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं डीम डिपॉजिट, ऐसा हमने पढ़ा है अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर भी। देर इज नो लाइबिलिटी ऑफ क्या है इंटरेस्ट ऑन एनी आईजीएसटी लाइबिलिटी एंड द अमाउंट इज लाइंग एज अनयूटिलाइज ऑन जीएसटी पोर्टल। तो आपने पेनल्टी में क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। There is no liability of interest. पहले तो बोले पेनल्टी में जमा करा है, आगे बोल रहे हैं there is no liability of क्या है interest. Anyways, हम ट्रांसफर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको फॉर्म भी क्या करा था बताया था, फॉर्म भी आपको क्या करा था बताया था, ओके ट्रांसफर करने का। तो आप किसी में भी, किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एनीवेज The balance of input tax credit as on 1st of July for the firm nil. Question case बड़े simple दिए, ITC opening balance nil कर दिया और hotel वाली supply का ITC वैसे मिलना नहीं है इनको और RCM वाली supply का ITC मिल सकता है, उसका जमा किस में कराना, cash में। GST is applicable in the aforesaid cases, case scenario at the following rate 9% IGST 18% दिया है, okay, all amount exclusive of GST है। आपको क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। आइए, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ई कैश। तो एक तो आरसीएम वाला ई कैश से जमा कराना है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है तो आरसीएम वाले को भूल जाइए, भूलिए। जब आप उसकी इंफॉर्मेशन जुलाई मंथ में नहीं देंगे तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, भूलिए उसको अभी, है ना। वैसे चीजें याद आती नहीं है और यहां याद आ रही है, उसको भूलना है अभी। फॉर कंप्यूटिंग दिस लाइबिलिटी Consider that there is no adjustment regarding amount provided in point E above. E above का मतलब क्या है, ये जो transfer वांसर वाला कोई provision नहीं लगाना है, कुछ नहीं। आप तो बस simple अपनी liability क्या करिए बताइए, तो liability बताएं, तो voucher की तो एक तो आ जाएगी 2 लाख की liability और plus एक 25 लाख रुपए की supply including 5 लाख उसके अंदर ही है, तो ये कितना आएगा 27 लाख। और 27 लाख पे हम 18% निकालें क्योंकि क्वेश्चन ने ना सीजीएसटी पूछा, ना एसजीएसटी पूछा, ना आईजीएसटी, बस आप तो जीएसटी लाइबिलिटी बताइए। तो 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% ये आ रहा है 4 लाख, कितना 86,000। इस क्वेश्चन का आंसर 6 का कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर अगेंस्ट द होटल बुकिंग, मिलना ही नहीं है, शैल भी कुछ नहीं मिलना है। वुड देयर बी एनी चेंज इफ द होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, यहां पर इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो उदयपुर के अंदर है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए ली है और एज पर सेक्शन 16 आप रजिस्टर्ड हो प्लस आपने जो इनवर्ड सप्लाई ली है वो किसके लिए ली है, टू बी यूज फॉर किसके लिए, बिजनेस के लिए, ओके तो क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। तो आईटीसी निल, देयर विल बी नो चेंज इवन होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, तो इसका आंसर वैसे ए होना चाहिए, आगे के पढ़ लेते हैं, बी 70,000 नहीं मिल सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी निल। आगे बोलते हैं आईजीएसटी 1,40,000 वुड बी अवेलेबल, नहीं ठीक है, बी सी डी नहीं हो सकते, सिर्फ आंसर कौन सा होगा, ए ही होगा। ये सिंपल क्वेश्चन निकला, मतलब जल्दी हो रहा है। 8th, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस, आ गए ना शोकॉज नोटिस इश्यू करने पे,
आई गए तो क्या है, जब भी क्वेश्चन पढ़े उसको रिलेटेड जीएसटी में जो भी प्रोविजन है याद कर लीजिए, काम आ जाएगा। अंडर जीएसटी वेयर जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई विच आर नॉट लाइबल टू कैन जीएसटी सेक्शन 76 विदाउट एनी टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। डिमांड ऑर्डर कितने साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर। तो क्वेश्चन का सी पॉइंट है कि नो टाइम लिमिट टू इश्यू ऑफ कौन सा है, शो कॉज नोटिस। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि डी बोल रहा है नो शो कॉज नोटिस टू बी इशूड। नो शो कॉज नोटिस तो आएगा, विदाउट इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस नहीं हो सकता। विदाउट इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस कब होता है, जब आपकी रिटर्न में सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी होती है, वो पे नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट कहता है जो आप खुद बता रहे हो वो पे नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए नोटिस किस बात का। तो विदाउट नोटिस रिकवरी हो सकती है, लेकिन यहां पर नोटिस आएगा, विदाउट एनी क्या हो सकेगा, टाइम लिमिट हो सकेगा। तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ए में कहा गया 2 years and 9 months, हालांकि ये सही नहीं है जी, लॉ में प्रोविजन है बिफोर क्या है, एटलीस्ट 3 months बिफोर है, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट से एटलीस्ट 3 months बिफोर, 2 years 9 months ऐसे नहीं होता है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने भी क्या कर दिया, जनरल लिख दिया, हो गई मिस्टेक, 4 years and 6 months, नहीं लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं है, लॉ बोलता है ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट से एटलीस्ट 6 months बिफोर, 4 years 6 months नहीं बोलता है, ठीक है। लॉ को बहुत ढंग से चबा चबा के पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कर दिया। नाइन्थ पे आते हैं, एडवांस ट्रेडर नाम है, क्लेम्ड रिफंड ऑफ क्या है, अमाउंट पेड एरोनियसली इन कौन सा है, माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी, रिफंड क्लेम कर रहे हैं, कर लीजिए आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड से ध्यान आया, रिटर्न फाइल करिए और ई कैश लेजर का आप क्या ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। हालांकि रिफंड का सुपर रिविजन लेक्चर ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं, ओके। और इस रिफंड को क्लेम करने के लिए जो 1000 रुपए की जो लिमिट होती है मॉनिटरी लिमिट, वो भी एप्लीकेबल नहीं होती है, ओके। तो ये रिफंड आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। द ऑथोरिटीज रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम, नो इस केस में ऑथोरिटी का काम ही नहीं है, ऑथोरिटी इस क्लेम को क्या नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, ओके। इसके लिए RFD 01 से एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं होती है कि जो प्रॉपर ऑफिसर रिफंड ऑर्डर क्या करे, पास करे। तो एडवांस ट्रेडर फाइल ले सिविल सूट नहीं होता है, जाना है तो अपीलेट ऑथोरिटी के पास जाओ, हमारे ही कमिश्नर किसके पास जाना होगा, अपील के पास जाना होगा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील या जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील के पास जाना होगा, ओके। तो सिविल सूट नहीं होगा, बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगा, फर्स्ट अपील टू अपीलेट ऑथोरिटी का मतलब कमिश्नर अपील, मतलब एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील, जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील होते हैं। चूज द क्या है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर में पहले बोल रहे हैं जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट, अरे वो कुछ कर ही नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन रीडायरेक्ट द मैटर फॉर फ्रेश, अरे वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसका मामला ही नहीं है। द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर प्रोविजनल, ये भी नहीं है। लास्ट, द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द रिफंड क्लेम, ये सही है, ओके। या उसकी क्या है, ये ऑथोरिटी नहीं है उसकी। चलिए ये भी बहुत सिंपल था। डी पॉइंट, डी नहीं, टेंथ, लास्ट टेंथ, इसका सिक्स से लेकर टेंथ तक थे। एडवांस ट्रेडर वॉन्ट टू यूटिलाइज द अमाउंट पेड एरोनियसली इन माइनर हेड पेनल्टी, अरे यूज करो, ट्रांसफर करो, यूज करो, जहां यूज करना है यूज करो, ठीक है, उसी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में ट्रांसफर कर लो, दूसरे मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में ट्रांसफर कर लो, आप यूज कर सकते हो, ऑफ द मेजर हेड आईजीएसटी, उसको आप यूज करना चाहते हो अगेंस्ट इस टैक्स लाइबिलिटी, अगेंस्ट इट टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन क्या है, कैश, ओके। तो आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप पेनल्टी में जमा कराए हुए को यूज करना चाहते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन काम क्या है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करके पॉसिबल है, इसका मतलब पॉसिबल है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके। प्लीज सेलेक्ट द क्या है करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट कर लेते हैं। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी, रॉन्ग, अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी अंडर एनी माइनर हेड, लॉन्ग, अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड, ये सही है, ये सही है, हालांकि इसके लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा, हालांकि ये पॉसिबल, ये यही पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा ट्रांसफर। और लास्ट पॉइंट था, अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी, नहीं ये भी नहीं, तो क्या है, सिर्फ सी, अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो सिर्फ पेनल्टी के लिए करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कर सकते हैं क्या, हाँ तो कर सकते हैं, उसके लिए करना ट्रांसफर पड़ेगा, तो इसके लिए आंसर करेक्ट कौन सा होगा, सी पॉइंट होगा, ओके।
तो ये हमने क्या कर लिए, सिक्स से लेकर क्या कर लिए, टेन कर लिए हैं। और हमारे पास में एमसीक्यू में टोटल 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 कितने हैं, टोटल 13 क्वेश्चन है एमसीक्यू को लेके। तो आइए 11, 12, 13 भी करते हैं, करने तो आगे के भी हैं लेकिन एमसीक्यू 13 तक है करते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20th of August प्रोविजनल असेसमेंट वॉज क्या है आप पे किया गया है, प्रोविजनल असेसमेंट किया गया है आपका। ओके, द असेसमेंट वॉज फाइनलाइज 20th of November। 20th of November को क्या हुआ आपका, क्या हुआ, फाइनल असेसमेंट हुआ। एंड द टैक्स पेयर बिकम लाइबल टू पे डिफरेंशियल IGST ऑफ कितना है, 10,000। तो आपको 10,000 GST पे करना है। ये पे ब्याज सहित करोगे, जो भी इसको जमा कराने की ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से ब्याज देना होगा आपको, वो भी 18% की रेट से, वो भी किस रेट से, 18% की रेट से। द टैक्स पेयर पेड दिस अमाउंट, पेड क्या है, दिस अमाउंट ऑन 20th of February नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही आएगा अब तो फरवरी। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टैक्स पेयर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल है। आपने सप्लाई करा था 20 अगस्त, तो आपकी ड्यू डेट आएगी अगस्त का कौन सा, सितंबर, अगस्त का कौन सा आएगा, सितंबर ड्यू डेट बनेगी। 20 तारीख हम मान के चलते हैं, 20 तारीख आपकी ड्यू डेट हुई होगी। ओके, तो 20 सितंबर ड्यू डेट थी, तो अब आपका ब्याज लगेगा सितंबर में कितने दिन का, 10 दिन का, अक्टूबर में कितने का, 31 का, नवंबर में 30 का, दिसंबर में 31 का, जनवरी में 31 का, और फरवरी में कितने का, 20 का, क्योंकि 20 को आपने डिपॉजिट करा दिया। करते हैं 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 20, ये आ रहा है 153 डेज। क्वेश्चन ने ईयर नहीं बोला, नहीं तो हम ये भी पता कर लेते कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर हो तो डिवाइडेड बाय 366 डेज होता है, और अगर नहीं दिया हो तो 365 से ही करेंगे हम तो। ओके, क्योंकि लीप ईयर तो 4 साल में एक बार आता है, तो नहीं दिया होगा तो हम कैसे मान लें कि वो लीप ईयर है, और अगर दे दिया कि 2020 तो मालूम है कि वो तो लीप ईयर है। एनीवेज चलते हैं हम आगे, आराम से हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें फॉल्स है। ओके, चलिए बताते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज, कस्टम में चले गए तो भी कर लेते हैं, इम्पोज वेयर एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, मतलब इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, ये ठीक है, एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। नो 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 नो, डंपिंग का मतलब होता है लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, मतलब उनकी जो एक्सपोर्ट प्राइस है हमारे लिए वो एक्सपोर्ट प्राइस कम है, किससे, उनकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल मतलब डोमेस्टिक प्राइस से भी कम पे, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फिर तो ठीक है, ये ए वाला क्या है, फॉल्स ही है, ए वाला कौन सा है, फॉल्स ही है। आगे बढ़ते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाई 100% EOU, बिल्कुल सही है, और सहज अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ये तो करेक्ट वाला है। सेफ गार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज ऑन आर्टिकल्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल सही है, इफ शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ डेट आर्टिकल फ्रॉम डेट कंट्री, फ्रॉम डेट ऑफ डेट आर्टिकल डेट कंट्री से कितना है, 3% से ज्यादा नहीं है, 3% और लेस है ऑफ टोटल इंपोर्ट, बिल्कुल सही है, बी सी वाला भी सही है। डी सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल, बिल्कुल, व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, बिल्कुल सही है। तो इसका फॉल सिर्फ ए ही है, तो 12th का आंसर बनेगा कौन सा, ए। आइए 13th वाले पे आते हैं, एमसीक्यू का लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद में फुल न्यूमेरिकल आ जाएंगे हमारे, फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इसका मतलब एक इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी इनकरेक्ट है, इन रिलेशन टू रिफंड प्रोविजन अंडर कस्टम, रिफंड आप मांगिए तो सही, और अगर आपको मांगने के एप्लीकेशन के 3 महीने तक हम क्या ना दें, रिफंड ना दें, तो फिर 3 महीने के बाद से हम आपको ब्याज सहित क्या देंगे, रिफंड देंगे, ब्याज सहित रिफंड देंगे 6% की रेट से, सेक्शन 27 का प्रोविजन। हालांकि बात आई इसलिए बता रहे हैं, रिफंड क्लेम भी करना पड़ता है, रिफंड क्लेम करना पड़ता है विद इन 1 ईयर में, कस्टम का प्रोविजन है, कस्टम का प्रोविजन है। एनीवेज यहां पर आते हैं, कौन सा इनक्रेट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर टू बी रिफंडेड इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 मंथ्स, बिल्कुल सही है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट है,
एप्लीकेशन के 3 महीने तक नहीं मिले तो फिर बाद में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। सेकंड, ये तो पहला वाला सही है, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, ओके, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल, आप ही को मिलेगा, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं चलता है अगर पर्सनल यूज के लिए मंगाए तो, इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, आपको ही मिलेगा ये तो, ये भी सही है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर, बिल्कुल सही है, ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट, नो 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 नो, अगर आप प्रोटेस्ट में पे करते हुए जा रहे हो इसका मतलब अपील करी हुई है, तो आप यहां से 1 साल में रिफंड कैसे क्लेम कर लोगे, ओके, अभी तो आप अपील में हो। हाँ, जिस दिन अपील का ऑर्डर आ जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा, वहां से 1 साल में आप रिफंड क्लेम कर लेना, क्योंकि रिफंड के लिए तभी एलिजिबल होंगे। ये वाला क्या है, रॉन्ग है, थर्ड वाला क्या है, रॉन्ग है, 1 साल में करना है, लेकिन वो तब से नहीं है जब से आपने ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे करी है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल, हाँ आईडीटी में तो होता ही एप्लीकेबल, इफ रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेबल 74-75, नो 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 नो, ठीक है, 74-75 पे अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये भी तो क्या हो गया, फिर तो रॉन्ग ही हो गया, ये बोल रहे एप्लीकेबल होगा तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया, तो थर्ड और फोर्थ क्या हो रहे, रॉन्ग, तो इस वाले का होना चाहिए 13th का कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ दोनों ही कौन से हैं, इसके अंदर रॉन्ग है। तो इसी के साथ में हमने अभी तक क्या करे हैं, न्यूमेरिकल क्या कर लिए हैं कवर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, केपीआई लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रजिस्टर्ड हैज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट, कहां पर है, बड्डी, मतलब हिमाचल प्रदेश में ही है मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट XT एंड कौन सा है ST, मतलब 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि वाइल XT जो है वो टैक्सेबल है और जो ST है वो कौन सा है, एग्जेम्प्ट है, दोनों बना रहे हैं। ये क्वेश्चन 100% अपोर्शनमेंट ऑफ किस पे जाएगा, कॉमन ITC पे जाएगा, अगर टैक्सेबल भी है एग्जेम्प्ट भी है तो कॉमन ITC का क्या होगा, अपोर्शनमेंट होगा। कॉमन ITC का अपोर्शनमेंट करना बहुत ही आसान है, कुछ विशेष बात नहीं है। KPI लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल, सबसे पहले डिटेल है मशीनरी M1 परचेज करी है ऑन 1st of July, फॉर बींग क्या है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग X1 एंड कौन सा है ST, X1 एंड ST, तो सबसे पहले इसका आपको ITC तो जरूर मिलेगा, इस 72,000 का ITC तो आपको क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन 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 साथ में आपको हर महीने अपोर्शनमेंट भी करना पड़ेगा, हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। 72,000 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है कौन सा, 1200, तो हर महीने का कॉमन ITC बन जाएगा कितना, 1200 बन जाएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, मशीनरी 2 परचेज्ड 1st July फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कौन सा, XT, ITC मिलेगा भी पूरा और कुछ कॉमन नहीं है, 100% ही क्या होगा, 100% ही किसके लिए है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो मंथली कॉमन कुछ भी नहीं है। मशीनरी थ्री परचेज 1st July को एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST, ITC मिलना ही नहीं है इसका ITC मिलना ही नहीं है। फोर्थ सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, मशीनरी 4 परचेज्ड ऑन 1st of October लास्ट ईयर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST, तो उस समय तो आपको ITC मिला ही नहीं होगा, लेकिन आज 1st of July से उस मशीनरी को आप XT में भी क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। जब XT में भी काम में ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उस 1,44,000 का तो पूरा ITC ले लें, सो डेट इनवॉइस क्या हो जाए, मैच हो जाए कि आपने इस मशीन का जो ITC लिया है ये कब की है, अक्टूबर की है, पोर्टल उसको मैच करवा देगा। हाँ, अब जितना समय आपने उसको किस में काम ले लिया, एग्जेम्प्ट में, तो उतने समय का ITC आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। कब खरीदा था, अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, अक्टूबर खुद एक क्वार्टर स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर स्टार्ट होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च दूसरा, मार्च अप्रैल मई जून तीसरा, और 1 जुलाई से तो आपने उसको क्या कर लिया, कॉमनली यूज करा,
तो तीन क्वार्टर का मतलब कितना हुआ 15%, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से तीन क्वार्टर का कितना हुआ 15% हुआ, और तीन क्वार्टर का अगर 15% होता है तो 1,44,000 का अगर हम 15% निकालें, 1,44,000 का 15% निकालें तो वो आना चाहिए 21,600। इतना अमाउंट आपको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। एक बार का 144 ले लीजिए, 21,600 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड भी कर दीजिए। अच्छा, अब ये आप दोनों में काम ले रहे हो तो इसका मंथली कॉमन भी निकालना पड़ेगा। मंथली कॉमन कैसे निकालेंगे, 1,44,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 60, 2400 आना चाहिए वैसे, यस 2400 ही आ रहा है, तो कितना आएगा 2400। हाँ, आज से अब यूजफुल लाइफ इसकी कितनी बची है, अब से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब टोटल 60 मंथ्स में से 9 मंथ्स तो चले गए आपके, 9 मंथ्स चले गए, तो अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है 51 मंथ्स। तो अब आपको अपोर्शनमेंट जो करना है वो 51 मंथ्स तक करना है, फॉर 51 मंथ्स तक करना है। ओके, क्वेश्चन 51 मंथ्स के लिए तो होगा नहीं। हाँ, ये आपने आज ही खरीदा था जुलाई में, तो इसका आपको अपोर्शनमेंट करना है कितने तक, 60 मंथ्स तक। इसका अपोर्शनमेंट करना होगा आपको कितने तक, 51 मंथ्स तक। हालांकि ये बात इसलिए काम नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन 51 मंथ्स तक नहीं करना है, हमको तो सिर्फ इसी महीने का करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हम 4 तक कर चुके थे, मशीन 5 परचेज 1 जुलाई को करी थी, एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट XT, ITC ऑलरेडी लिया हुआ है, आज लेना ही नहीं है। लेकिन आज 1 जुलाई से आपने उस मशीन को ST में भी क्या लिया है, काम में लिया है, लेना कुछ नहीं है, बस अपोर्शनमेंट करना होगा। 18,000 को जब हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 18,000 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 300 रुपी पर मंथ। जनवरी में खरीदा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, 6 महीने तक तो आपने इसको किस में काम लिया, टैक्सेबल में काम ले लिया। मशीन 5 को 6 महीने आपने किस में काम लिया, टैक्सेबल में। अब अपॉर्चुनमेंट, अब इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है, वो बची है 54 मंथ्स। तो इस वाले को आपको जो करना है वो कितने मंथ्स तक करना है, 54 मंथ्स तक करना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तक। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और मशीन 6 है, परचेस 1 जुलाई को ही परचेस करी है, नहीं 1 जुलाई 2 ईयर्स पहले परचेस करी थी, फॉर बींग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग XT और ST, उस समय पूरा ITC ले ही लिया होगा, बस आज तो कॉमन ITC का अपोर्शनमेंट करना है। 1,08,000 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स की उम्र कितने साल है, 60 मंथ्स है, तो 1,08,000 को हम 60 मंथ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो अमाउंट हमारा आना चाहिए कितना, 1,800 रुपी पर मंथ आना चाहिए। अच्छा, 2 साल का मतलब 24 महीने तो आपने निकाल दिए, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी बची है कितनी, 36 मंथ। तो अब आपको जो अपोर्शनमेंट करना है वो इसके रेस्पेक्ट में कितने मंथ्स करना है, 36 मंथ्स। हालांकि इस क्वेश्चन में रिमेनिंग कितने समय के लिए करना है ये कंप्यूटेशन कभी नहीं पूछी जा सकती, लेकिन हमें जरूर सीखना है कि और कितने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तक हमको क्या करना है, अपोर्शनमेंट करना है। ओके, तो बस इतनी ही क्या थी, मशीनें थी हमारे पास में, 6 मशीनें थी। ओके, अगर हम इन सब की क्या करें, अब हम इन सब की क्या करते हैं टोटल करते हैं तो 2,000, 3,000, 4,000, 4,000, 400, 600, 900, 5,700 ये अमाउंट आ रहा है, 5,000 कितना, 700, ये आ रहा है हमारा मंथली कॉमन ITC आया है कैपिटल गुड्स का। मंथली क्या आया है, कॉमन ITC आया है किसका, कैपिटल गुड्स का। इसको हम करेंगे एग्जम टर्नओवर डिवाइडेड बाय कौन से, टोटल टर्नओवर से। ओके, तो बड़ा सिंपल ही जाना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कंप्यूट द फॉलोइंग, सीधा क्वेश्चन, बस इंफॉर्मेशन पूछ ली, अब बहुत ही एक्सट्रीम सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट टू ई क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में आप कितना क्रेडिट करने वाले हैं, तो इतना हमने देखा था, ये रहा टोटल, इसकी हमको टोटल करनी पड़ेगी। तो 70,000 प्लस 30,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 40,000, 2 लाख, 50,000, 2 लाख, 52,000, तो इसकी टोटल आती है 2 लाख, कितनी आती है, 52,000, 2 लाख 52,000,
तो इतने का हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इतना हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा टी आई ई, इसका मतलब है कि 5% पर क्वार्टर पार्ट देर ऑफ से जो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड करना है, जो आपका उतने समय का जो कौन हो गया है, इन एलिजिबल हो गया है, जितना समय आपने एग्जेम्प्ट में निकाल दिया, तो वो जो इन एलिजिबल है जिसे आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड करना है, उसका अमाउंट बताइए। तो वो अमाउंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पे, शायद 21,600, यस 21,000 कौन सा है, 600 ही है। तो ये हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, इतना अमाउंट इन एलिजिबल है। ले हमने 1,44,000 लिया था पूरा, लेकिन उसमें से जितने महीने एग्जेम्प्ट सप्लाई में हमने क्या लिया, काम में लिया, वो उतने समय का आईटीसी हमारा एलिजिबल नहीं है, इन एलिजिबल है, तो वो 21,000 कौन सा 600 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। तीसरा, तीसरे से पहले हम फोर्थ कर लेते हैं, कॉमन आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये रहा कॉमन आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 5,000 कौन सा 700, 5,700। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके न्यूमेरिकल इतना बड़ा दिया लेकिन इसको इतना सिंपल करके दिया आरटीपी में। थर्ड पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कौन सा है कॉमन क्रेडिट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट है एग्रीगेट। देखिए वैसे तो दो तरीके हैं, अगर मंथली कितना है 5,700 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको कितने से, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3,00,000 तो एक आ जाएगा और 42,000, इसका मतलब 3,42,000 ये हो गया आपका एग्रीगेट हो गया, मंथली हुआ 5,700 तो एग्रीगेट हो गया कितना 3,00,000 कौन सा 42,000। और इसको अगर करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इसको हम करना चाहें तो कैसे कर सकते थे, ऐसे 2,52,000 तो था ही, और एक जो दो साल पहले भी हमने खरीदा था, दो साल पहले हमने खरीदा हुआ था, तो उसकी हम क्या कर लें, टोटल कर लें, बहुत ही क्या है सिंपल है, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करना है अपॉर्शनमेंट करना है, उनकी क्या करनी है टोटल करनी है। अगर हम यहां से देखना चाहें तो फर्स्ट वाले को हम दोनों में काम ले रहे हैं, इसको टोटल करें, दूसरे वाले को सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल में काम ले रहे हैं तो कुछ नहीं करना, तीसरे वाले को एग्जेम्प्ट में काम ले रहे हैं कुछ अपॉर्शनमेंट नहीं होगा, फोर्थ वाले का क्या होगा अपॉर्शनमेंट होगा क्योंकि अब उसको हम कॉमनली काम ले रहे हैं, फिफ्थ वाले को भी अब कॉमनली काम ले रहे हैं, और सिक्स्थ वाले को तो शुरू से ही कॉमनली क्या ले रहे थे, काम में ले रहे थे। तो अगर हम इनकी टोटल कर दें तो 72,000 प्लस 1,44,000 प्लस 18,000 प्लस 1,08,000 ये आ गया 3,42,000, और जैसे हमने करा था वैसे भी 3,42,000 ही आना था और वो ही आया है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही क्या था, सिंपल सा था। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, 14 कर लिया है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 15 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, 15 नंबर का क्या है क्वेश्चन है, ओके। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स क्यू एंड एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है आर। अब ये क्वेश्चन भी आईटीसी का हो सकता है अपॉर्शनमेंट का, या फिर रिफंड का भी हो सकता है, ठीक है, तो आईटीसी का भी रिफंड का भी जो भी है आसानी से डील कर सकते हैं। प्रोडक्ट एस जो एग्जेम्प्ट है इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट कर दिया आपने, ध्यान रखिएगा, इवन अगर आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को, नील रेटेड गुड्स को भी अगर आप क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो सप्लाई बन जाती जीरो रेटेड, आईटीसी मिल जाता है, और आप उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड भी ले सकते हैं रूल 89 सब रूल 4 के प्रोविजन से, ओके। तो इवन भले ही वो एग्जेम्प्ट है तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट कर दिया, सप्लाई है और एक्सपोर्ट सप्लाई जीरोटेड है, आईटीसी मिलेगा भी सही, और आप उसका क्या कर सकेंगे, रिफंड भी क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। तो सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आईटीसी का रिफंड ले सकेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, अंडर एलयूटी लेटर ऑफ क्या है अंडरटेकिंग। यहां से एक बात बता दूं, अगर इस सप्लायर ने एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, पुराने लॉ या जीएसटी लॉ में अगर टैक्स का इवेजन ऑफेंस कर रखा हो जिसमें उसको प्रोसिक्यूशन हो, और टैक्स का कितना हो 2.5 करोड़ से ज्यादा का, तो आपको ध्यान होना चाहिए एलयूटी फैसिलिटी नहीं होती है, फिर आपको अंडर क्या करना पड़ता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है। अगर आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा के टैक्स के इवेजन का ऑफेंस कर रखा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू की तरह रेलेवेंट हो सकता है, हालांकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन बता रहा हूं, ओके। अंडर कौन सा है हमारी, क्या है एलयूटी है, एलयूटी के लिए क्या होता है आरएफडी कौन सा होता है 11 होता है, ठीक है, आरएफडी 11 होता है, रूल 96A का क्या लगता है प्रोविजन लगता है।
द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। प्रोडक्ट एस जो उन्होंने एक्सपोर्ट कराया है यूके, ठीक है, यूके पाउंड कितना दिया है, 12,000 दिया है। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आईएनआर में। तो क्वेश्चन में हमको कहीं आईएनआर में दिया हुआ है क्या, ओके आगे दिया हुआ है, हम देख लेंगे। प्रोडक्ट क्यू है वो सप्लाई करी है किसको, आपने बैटी एंटरप्राइजेस को विद इन इंडिया, डोमेस्टिक सप्लाई है 20 लाख रुपए की। क्यू वैसे टैक्सेबल भी था 20 लाख की, इस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 20 लाख पे। नोट अबाउ अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, चलिए ठीक है नहीं दिया होता तो हम मान लेते। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू ए टैक्स पीरियड ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड। जीएसटी 5 लाख हैज बीन पेड ऑन इनपुट्स, इस पे पे किए गए टैक्सेस का इनपुट का हम एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स पे जो आपने पे किया है आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन हम उसका क्या नहीं ले सकते, रिफंड नहीं ले सकते, रिफंड नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन अपोर्शनमेंट का हुआ तो हमको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स के आईटीसी का भी, इनपुट का, इनपुट सर्विस का। और अगर ये क्वेश्चन किसका हुआ, रिफंड का हुआ, तो रिफंड सिर्फ इनपुट और किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, इनपुट और सिर्फ इनपुट सर्विस के रेस्पेक्ट में मिलेगा। 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, और अपोर्शनमेंट का हुआ तो तीनों का अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किसका है। ऑल द अबव इनपुट इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज क्या है ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस जो एक्सपोर्ट करा है टू यूके वो इंडियन रूपी में कितना है, 12 लाख है। However, the value of such product, वो ही product की, उसी तरह के product की जब domestic supply कर रहे हैं तो कितनी है, 10 लाख है। और अब आपको ध्यान होना चाहिए amendment हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, amendment हो चुका है rule 89 sub-rule 4 में, जो domestic supply की value है goods के respect में, सिर्फ goods के respect में, question goods का ही है, goods के respect में domestic supply का maximum कितना लेंगे, 1.5 ही लेंगे। कौन सा, turnover of zeroed supply of goods without payment of tax में, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में। तो 10 लाख का 1.5 तो होता है कितना, 15 लाख, और हमारी वैल्यू कितनी है, 12 लाख। तो हम तो वैसे भी कितना लेंगे, 12 लाख ही लेंगे। अगर ये 12 लाख की जगह 16 लाख होता, 16 लाख होता, तो हम 15 ही लेते। मैक्सिमम कितना है, 1.5 टाइम्स है डोमेस्टिक वैल्यू का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ले तो हम 15 लाख लेते, लेकिन एज पर रूल 96B, आपको फेमा की टाइम लिमिट में सेल्स कंसीडरेशन 16 लाख रुपए रिसीव करना होता। भले ही रिफंड के फॉर्मूले में 15 लाख लिया जाता, लेकिन सेल्स कंसीडरेशन 16 लाख ही लाना होता। एनीवेज, तो यहां हम 12 लाख ले लेंगे। बैटी एंटरप्राइजेस इज ए 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जो भी सप्लाई लेंगे, बैटी एंटरप्राइज को जो सप्लाई दी गई है वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गई है, क्योंकि ईओयू को सप्लाई करना जीरोटेड नहीं होती है, लेकिन वो डीम्ड एक्सपोर्ट होती है। इट हैज क्लेम, मतलब बैटी जिनको हमने सप्लाई करी है, जो हमारे सप्लाई के रिसिपेंट है, उन्होंने आईटीसी अवेल कर लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर रिसिपेंट ने आईटीसी ले लिया है, तो सप्लायर उसका क्या नहीं ले सकता, रिफंड नहीं ले सकता। अब रिफंड कौन लेगा, रिसिपेंट ही ले सकता है, रिसिपेंट ही रिफंड ले सकता है, रिसिपेंट रिफंड ले सकता है। सप्लायर रिफंड कब ले सकता था, जब रिसिपेंट ने आईटीसी नहीं लिया होता, ओके वो कब नहीं लेता आईटीसी, अगर हम उससे टैक्स चार्ज ही नहीं करते, हम उससे टैक्स चार्ज नहीं करते, तो फिर वो क्या नहीं होता, आईटीसी नहीं होता, नहीं लेता, और वो हमको क्या देता, अंडरटेकिंग दे देता कि यस सप्लायर क्या ले सकता है, रिफंड ले सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया कि बेटर एंटरप्राइजेस बींग जो हमारे रिसिपेंट है, ओके ईओयू है, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई है, उन्होंने आईटीसी ले लिया, तो हम क्या नहीं कर सकते इस सप्लाई पे, हम इस सप्लाई पे, डोमेस्टिक सप्लाई पे रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ओके चलिए, द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर, हमारी जो ई क्रेडिट लेजर में जो है, ओके सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के एट द एंड ऑफ कौन सा है टैक्स पीरियड, उस टैक्स पीरियड के एंड में, फॉर विच रिफंड क्लेम इज बींग मेड, मतलब जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, ओके तो उस समय जब आपने GSTR 3B फाइल कर दिया था, तो फाइल करने के बाद जो बैलेंस बचा था वो था आपका कितना, 5,80,000। इससे ज्यादा का रिफंड नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा का रिफंड नहीं मिल सकता। अगर रूल 89 सब रूल 4 के फॉर्मूले से अगर रिफंड इससे ज्यादा भी आ रहा है, तो भी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उसका रिटर्न फाइल करने के बाद आपका बैलेंस ही कितना था, 5,80,000 था। ओके इसके लेके हमने सर्कुलर ऑलरेडी पढ़ा है,
द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ फिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, जब आपने रिफंड एप्लीकेशन डाली तो बैलेंस कितना था, 3 लाख था। अब 3 लाख से ज्यादा रिफंड नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस समय आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो और ई क्रेडिट लेजर का आईटीसी का रिफंड मांग रहे हो, उस समय बैलेंस ही आपके पास में 3 लाख है। इसका मतलब आप बाकी का आईटीसी अब तक यूज करके आ चुके हो और अब बचा है 3 लाख, तो 3 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, एक तो फॉर्मूले से निकालेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी सबको कंबाइन करके एक साथ ही फॉर्मूले से निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे रिटर्न फाइल करने के बाद जो बैलेंस था ई क्रेडिट का, उसके बाद में हम देखेंगे जब एप्लीकेशन करी तो कितना बैलेंस था। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल जा रहा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर हमारा बहुत ही सिंपल जा रहा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ज़ीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का 12 लाख, ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, रूल 89 सब रूल 4A 4B कोई ट्रीटमेंट नहीं इसके अंदर। और टोटल एडजस्टेड टर्नओवर जा रहा है कितना, 32 लाख का, एग्जेम्प्ट सप्लाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा क्वेश्चन है, रजनीगंधा जैसा, कोई तुलसी नहीं इसमें। ओके, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बन रहा है कितना, 32 लाख बन रहा है। और इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी, इनपुट और इनपुट सर्विस का ही मिलता है, नेट आईटीसी कितना है, 7 लाख। रूल 89 सब रूल 4A 4B का कोई रिफंड ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो आइए ये हम निकाल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 7 लाख, ये अमाउंट आ रहा है 2,62,500। इसको आप कंपेयर कर लो, जब आपने रिटर्न फाइल करा था उस टैक्स पीरियड का तो बैलेंस था 5,80,000, नहीं मिल सकता। आज जब एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास में ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा 3 लाख, वो भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब अब जो रिफंड होगा वो आपको कितना होगा, 2,62,500। अगेन मोस्ट क्या है, सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल के चीजें पूछी जा सकती थी, बहुत अच्छी चीजें पूछी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया हुआ क्या है, क्वेश्चन है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15, यस नाउ क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर सप्लायर्स, इसका मतलब क्या है, वेरियस पार्ट होंगे इस क्वेश्चन में, आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन कौन सा है, 10। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्या है केसेस, इन द बिगिनिंग ऑफ कौन सा है, करंट फाइनेंशियल ईयर। चलिए ए पार्ट क्या है इसका, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जलंधर, रजिस्टर्ड इन जलंधर पंजाब, इज एंगेज्ड इन सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर सिस्टम, तो मैन्युफैक्चरर है, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज 125 लाख, एलिजिबल है। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाइज द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट, इंटरस्टेट सेल ही कर रहे हैं, एलिजिबल है, ऑफ पंजाब ओनली, विद ए व्यू टू एक्सपांड इट्स क्या है बिजनेस ऑपरेशन, इट विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विस, दे सकते हैं, लेकिन कितना, 10% ऑफ कौन सा है, टर्नओवर इन स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर ही 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ कौन से का है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो अमाउंट, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 5 लाख रुपीज कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस साथ में कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग सर्विस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन करंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो इस वाले केस में सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और 2 से क्या है, एलिजिबल है, मैन्युफैक्चरर है, पिछले साल का टर्नओवर 1.5 crore से ज्यादा नहीं है, इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, कितनी, पिछले साल का टर्नओवर, दैट इज 125 लाख का 10%, तो वो हो जाएगा 12.5 लाख, और 5 लाख विच इज हायर, तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 12.5 लाख तक की सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या था, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट पर, हम आते हैं, मेसर्स सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओन से रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट वाले, कैटरिंग सप्लायर वाले, ओके, जो हमारी शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज बी के सप्लायर हैं, वो भी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और 2 से एलिजिबल हैं, बस एक वही सप्लायर ऑफ सर्विस वाले हैं जो सब सेक्शन 1 और 2 से कंपोजिशन ऑफ कर सकते हैं, विथ ए टर्नओवर ऑफ 112 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप एलिजिबल हो,
इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड करिए, ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस, लेकिन यहां पर एल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लिखा है, तो हम इसे नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस ही क्या करेंगे, मानेंगे इन दिल्ली। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, आप जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो आप रूल सेवन उसके क्लॉज सेकंड के सप्लायर हैं, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अदर कैटेगरी ऑफ सप्लायर में फॉल कर जाएंगे, और यस आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे सब सेक्शन 1 एंड 2 से कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सी पार्ट पा रहे हैं, सीता राम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन कहां पर है, सिक्किम में है, रजिस्टर्ड इन सिक्किम। तो अगर आप सिक्किम में रजिस्टर्ड हैं तो आपकी कंपोजिशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की जो एलिजिबिलिटी लिमिट देखी जाएगी वो 75 लाख देखी जाएगी सब सेक्शन 1 एंड 2 से। इज एंगेज्ड इन रनिंग ए फूड चेन वेज किचन इन द स्टेट, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले कंपोजिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इट हैज ए टर्नओवर ऑफ 73 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपका टर्नओवर 75 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, आप एलिजिबल हो। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट डिसाइड्स टू शट डाउन द फूड चेन, बंद कर दीजिए, ओइंग टू ह्यूज लॉसेस बींग इनकर्ड इन साइड बिजनेस, करिए बंद, आपका डिसीजन है। इंस्टेड इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग इंटरेस्टेड आर्किटेक्ट सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस सब सेक्शन 1 एंड 2 से आप एलिजिबल नहीं हो, सब सेक्शन 2A से आप एलिजिबल हो सकते थे प्रोवाइडेड आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से क्या ना होता, ज्यादा ना होता। ओके, सबसेक्शन 1 एंड 2 से आप एलिजिबल नहीं रहोगे क्योंकि आप अदर देन रेस्टोरेंट की सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, और अदर कैटेगरी ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस सबसेक्शन 1 एंड 2 से कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2A से ऑप्ट कर लेते अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होता, अब इस क्वेश्चन में 73 लाख है, तो आप इस केस में कंपोजिशन स्कीम सबसेक्शन 1, 2, 2A आप क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लॉज डी पर आते हैं हम, इसके मतलब पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर के पार्ट डी पर आते हैं। दीप्ति सर्विसेस लिमिटेड, नाम ही सर्विसेस लिमिटेड है, रजिस्टर्ड इन कहां पर है, उत्तराखंड है, ठीक है ना, उत्तराखंड है, वहां पर लिमिट कितनी देखी जाती है, 75 लाख देखी जाती है। तीन स्टेट ऐसे हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और असम, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो आर्टिकल 279 से, आर्टिकल 279 क्लॉज 4 सब क्लॉज जी से स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन कंपोजिशन के पर्पस से वहां लिमिट 1.5 सीआर है। उत्तराखंड में कितनी है, 75 लाख है। इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विस, एक्सक्लूसिवली हेयर स्टाइलिंग सर्विस है, सब सेक्शन 1 एंड 2 से आप एलिजिबल ही नहीं हो। इट हैज टर्नओवर ऑफ 34 लाख, 34 लाख का मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप सब सेक्शन 2A से क्या हो, एलिजिबल हो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। Will your answer be different if Dipti Services Limited also starts supplying beauty products? आप beauty product भी supply कर रहे हो along with providing hair styling service in the current financial year? No, आप साथ में supply of goods भी कर सकते हो 50 लाख के turnover तक, वो आपकी eligibility है, उसके बाद में आप normal scheme में आ जाएंगे, तो आप service plus goods भी क्या कर सकते हैं, supply कर सकते हैं। तो ये ABCD वाले question बहुत ही क्या थे, simple थे। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाते हैं, वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट की सप्लाई ऑफ सर्विस इन भोपाल मध्य प्रदेश 1 अप्रैल 2020 स्टार्ट कराए, मतलब पिछले साल का टर्नओवर नहीं है, जब पिछले साल का टर्नओवर नहीं है सब सेक्शन 1 एंड 2 तो आप ऑप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, वो भी अदर देन रेस्टोरेंट वाले, अदर देन कैटरिंग वाले, तो आप सब सेक्शन 2A ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि पिछले साल टर्नओवर नहीं है, तो वो 50 लाख से ज्यादा है ही नहीं। द फर्म प्रोवाइड आर्किटेक्चर सर्विस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब इंट्रास्टेट, बिल्कुल इंट्रास्टेट ही करनी है, इंटर नहीं कर सकते आप। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इट्स टर्नओवर, अप्रैल से जून क्वार्टर, क्वार्टरली पेमेंट करना होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख टर्नओवर हुआ, अब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर में, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए वहां तक का जो टर्नओवर है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। डिटरमिनेशन ऑफ किसके लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए, तो 20 लाख पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। ओके,
लेकिन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिमिट इन करंट फाइनेंशियल ईयर, कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कब तक एलिजिबल है, 50 लाख तक एलिजिबल है, तो उस एलिजिबिलिटी लिमिट की कंप्यूटेशन के लिए 1st of April से लेकर डेट ऑन विच सप्लायर बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तक का जो टर्नओवर हुआ है, दैट इज 20 लाख, वो एलिजिबिलिटी लिमिट की कंप्यूटेशन में क्या होगा, इंक्लूड होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एलिजिबिलिटी लिमिट के लिए इंक्लूड होगा। तो पहले 20 लाख पे जीएसटी पे नहीं करना है, लेकिन जुलाई से सितंबर में जो 30 लाख का टर्नओवर हुआ है, ओके, उस पे आप कंपोजिट रेट 3% प्लस 3% की रेट से टैक्स लायबिलिटी पे कर सकेंगे। ओके, अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो चुका है, अब आपकी कंपोजिशन स्कीम सीज हो जाएगी। और जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर, जो नेक्स्ट 20 लाख का क्या हुआ है, टर्नओवर हुआ है, उस पे आपको नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 का मतलब है जब टर्नओवर 20 लाख हुआ तब आपने क्या कराया, रजिस्ट्रेशन कराया। तो फर्स्ट 20 लाख तक आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, टैक्सेबल पर्सन नहीं थे, कंपोजिशन लेवी भी नहीं होगी। नेक्स्ट 30 लाख पे आपको कंपोजिट रेट से क्या करना है, पे करना है, एंड पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स फॉर द क्वार्टर अप्रैल से जून, कुछ भी नहीं, जुलाई से सितंबर 3+3, अक्टूबर से दिसंबर नॉर्मल, और नॉर्मल रेट दी हुई है 9% सीजीएसटी और 9% कौन सा है, एसजीएसटी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा है, अभी 16 करा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। हियर एंड आफ्टर अब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को BEL, बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, सप्लायर ऑफ गुड्स है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इट हैज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करे हैं इन्होंने अक्रॉस द कंट्री, हु सेल द क्या है, टेलीविजन मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। ओके, तो इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करे हैं, अपॉइंट करे हैं, इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करे हैं। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP प्रिंटेड ऑन द पैकेज ऑफ ए टेलीविजन इज ₹12,000। द एप्लीकेबल रेट ऑफ GST ऑन टेलीविजन इज 18% IGST मान के कर रहे हैं हम। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिस्पैचेस द स्टॉक ऑफ टेलीविजन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्डर्ड बाई देम ऑन क्वार्टरली बेसिस पे क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट इट सेल्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट क्या है, इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स क्या है, सेल्स, यस, इन ऑर्डर टू प्रमोट इट सेल्स द सेल्स हेड ऑफ BEL हैज फॉर्मुलेटेड ए सेल्स प्रमोशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफर्स ए डिस्काउंट वैल्यूएशन में 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। अगर जो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही दे दिया गया है, पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनता है, पार्ट नहीं बनता है। दो चीजें, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस के अंदर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। एक होता है क्लॉज बी, 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एस्टेब्लिश्ड होता है, एग्रीड होता है, डिस्काउंट कब दिया जाता है, बाद में दिया जाता है, उस डिस्काउंट को आप उसकी रेलेवेंट टैक्स इनवॉइस से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड होती है। ओके, क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है और रिसीपिएंट ने अगर टैक्स इनवॉइस के बेस पर ITC ले लिया था तो उसका रिवर्सल किया जाता है। मतलब पहला पॉइंट कि वो डिस्काउंट एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा, लिंक्ड होना चाहिए विद पर्टिकुलर किसके साथ, इनवॉइस के साथ। तीसरा, आप इश्यू करेंगे फिर क्रेडिट नोट, जरूरी नहीं है एक क्रेडिट नोट, हर इनवॉइस का एक क्रेडिट नोट, सारी इनवॉइसेस का भी एक क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रिसीपिएंट ने इनवॉइस के बेस पर ITC ले लिया था तो उसको करना पड़ेगा रिवर्सल। अगर ये सब होगा तो सप्लायर की लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी क्रेडिट नोट इश्यू करने से। मतलब क्या होगा, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, उसे हम बोलते हैं 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज कौन सा बोलते हैं, बी बोलते हैं। ओके, अब हम यहां देखते हैं यहां कौन सा डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट पर टेलीविजन ऑन टेलीविजन सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूटर इफ द डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स
500 टेलीविजन इन ए क्वार्टर, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हुआ। आज तय कर दिया है हमने कि 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो एंड ऑफ क्वार्टर पे मालूम पड़ेगा कि कितनी टेलीविजन क्या हुई है, सेल हुई है। द डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, जिस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड क्या है टैक्सेस, ऑल चार्जेस एंड क्या है टैक्सेस, जिस प्राइस पे क्या करो सोल्ड करा, एक्सक्लूडिंग बाकी सारे चार्जेस पे नहीं देंगे, टैक्सेस पे नहीं देंगे। ओके, इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एन अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी है, अगर ये रिलेटेड पार्टी होती तो वैल्यूएशन ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं कर पाते। ओके, अगर ये रिलेटेड पार्टी होती तो वैल्यूएशन हम ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं कर पाते, फिर हमें वैल्यूएशन किस में करना पड़ता है, वैल्यूएशन रूल्स में करना पड़ता है। वहां हमें रूल 29 दिया हुआ है एजेंट के केस में वैल्यूएशन, एजेंट के केस में क्या होता है वैल्यूएशन होता है, एजेंट कौन सा, जो हमारा कौन हो, रिलेटेड पार्टी हो या फिर शेड्यूल फर्स्ट वाला हो जिसको विदाउट कंसीडरेशन हमने क्या करी हो, सप्लाई करी हो, अदरवाइज ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं। तो यहां पर अनरिलेटेड पार्टी है, ओके, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कराया 1st of April को और 750 टेलीविजन आपने उसको डिस्पैच कर दी 8th of April को एस स्टॉक फॉर किसके लिए है, क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर अप्रैल से लेकर जून तक का। अब BEL ने सोल्ड करें टेलीविजन टू डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है ना, विदाउट कंसीडरेशन नहीं दिए, सोल्ड करें हैं टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर को एट ए प्राइस ऑफ ₹8,400 पर टेलीविजन, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, ओके, और टैक्सेस पे डिस्काउंट नहीं मिलना है। शाह इलेक्ट्रॉनिक्स हैज रिक्वेस्टेड BEL फॉर ए स्पेशल पैकिंग ऑफ द टेलीविजन डिलीवर टू इट, फॉर विच BEL हैज चार्ज ₹1,200 पर टेलीविजन, ₹1,200 अदर चार्जेस है, इस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट सिर्फ 8,400 पे दिया जाएगा। उनकी रिक्वेस्ट पे क्या करिए, स्पेशल पैकिंग करिए एज पर 15 subsection 2 clause C, जो भी इंसिडेंटल क्या है चार्जेस हैं, ओके, बिफोर और एट द टाइम ऑफ क्या किए गए हैं, सप्लाई किए गए हैं, ओके, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्या किए गए, रिसिपेंट किए गए हैं, तो वो सारे जो भी कौन से होंगे, इंसिडेंटल चार्जेस होंगे, कमीशन होगा, पैकिंग होगा, स्पेसिफिकली दिया है, बिफोर एट द टाइम ऑफ क्या होगा, सप्लाई होगा, ओके, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्या होगा, रिसिपेंट होगा, वो हमारी वैल्यू का पार्ट बनेगा। ओके, तो ₹1,200 चार्जेस से वैल्यू का पार्ट बनेंगे, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ 8,400 पे ही दिया जाएगा अगर वो एलिजिबल होता है तो। ओके, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस ए परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन, पहले कितने का करा था, 750 का, आई थिंक 750, यस, और नाउ 1000 टेलीविजन का विद BEL फॉर क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अप्रैल मई जून में 750, जुलाई अगस्त सितंबर में 1000 टेलीविजन। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स, अब डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट कर रहा है सेल्स ऑफ 700 टेलीविजन हुई है फॉर द क्वार्टर अप्रैल से लेकर जून में, तो एलिजिबल तो हो चुका है डिस्काउंट के लिए, और 850 टेलीविजन हुई है जुलाई से लेकर सितंबर, दोनों क्वार्टर में डिस्काउंट के लिए तो एलिजिबल है। द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड बाई BEL एज एक्सप्लेन्ड अबव इज ऑल्सो अवेलेबल टू शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या है एग्रीमेंट, ठीक है। While, अब क्वेश्चन बोलता है while शाह इलेक्ट्रॉनिक्स रिजर्व रिवर्स द ITC, बिल्कुल ITC रिवर्स करेंगे तभी सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, उसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस किया जाएगा, उस मंथ की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जिस मंथ में उसने क्रेडिट नोट क्या करा, इश्यू करा, और उसकी डिटेल उसने किस में दे दी है, रिटर्न में दी है, तो इन्होंने रिवर्स कर दिया। अवेल फॉर द क्वार्टर जुलाई से सितंबर, सिर्फ जुलाई से सितंबर के ITC ही रिवर्स करा, इट हैज फेल टू रिवर्स द ITC अवेल फॉर द क्वार्टर अप्रैल से जून, लेकिन अप्रैल से जून में जो उसने पहले इनवॉइस के बेस पर ITC ले लिया था उस ITC का उसने रिवर्सल नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में 15 subsection 3 clause B के अकॉर्डिंग चार कंडीशन चाहिए थी कि जो डिस्काउंट है वो एस्टेब्लिश एग्रीड होना चाहिए बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, लिंक्ड विथ क्या होना चाहिए पर्टिकुलर इनवॉइस के साथ, क्रेडिट नोट इश्यू हो और रिसीपेंट ने ITC रिवर्स कराओ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड होता है। इस वाले केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले क्वार्टर में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने में दिया था, 8,400, कोई डिस्काउंट नहीं लेस होगा, और ₹1,200 के अदर चार्जेस थे जो 15 subsection 2 clause C से वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनने, वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई 9,600, और हमने
सप्लाई दी थी कितने की, 750 की। तो ये हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई किससे, अप्रैल मई जून की। नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमने 1000 भेजे थे, वो भी 8400 पे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या कर दिया था, आईटीसी रिवर्स कर दिया था, आईटीसी रिवर्स कर दिया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड जाएगा और 1200 रुपी हमारे कौन से हो गए हैं, चार्जेस हो गए हैं। 1200 रुपी हमारे क्या हो चुके हैं, चार्जेस हो चुके हैं, किसके, पैकिंग के चार्जेस। तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, 8400 प्लस 1200, 9600, 9600 में से हमको लेस कर लेना है कितना, 800 क्या है, 40, 96 में से। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 8760, ठीक है, 87 कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारे लिए। और हमने भेजे थे, सप्लाई करे थे कितनी, 1000 टेलीविजन्स। आइए क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, बस यही था, एग्जामिन द सिनेरियो, कर दिया हमने एग्जामिन विद रेफरेंस टू सेक्शन कौन सा, 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्या, टेलीविजन बाय बीईएल टू शाह इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल से जून और जुलाई से कौन सा है, सेप्टेम्बर, और एप्लीकेबल रेट कितनी है, 18% है। एप्लीकेबल रेट कितनी है, 18 क्या है, परसेंट है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल था, लेकिन हमको वर्किंग नोट में पूरे प्रोविजन क्या करने पड़ेंगे, इसमें बताने पड़ेंगे पूरे प्रोविजन, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज उसका कौन सा है बी, डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई किसका है, डिस्काउंट का। ओके, और वैल्यूएशन किससे होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू से ही होगा, वो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, पूरा क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट के अंदर बताएंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है, दो पार्ट ही है इसके अंदर। आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन हम 18 पाए हैं, कंपनी है, कंसल्टेंसी क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, ठीक है, किसी को, मधु एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं, तो हम कंसल्टेंसी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इन द मंथ ऑफ किस में, मई में, फॉर विच इट रिसीव्ड एन एडवांस। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, कंसल्टेंसी सर्विस, और एडवांस आता है, तो उस एडवांस पे आपको जीएसटी क्या करना पड़ता है, पे करना होता है, टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस पे क्या जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए एडवांस आ गए हैं 20th ऑफ किसको, अप्रैल को, तो आपकी जो ड्यू डेट है पेमेंट करने की वो 20 मई होगी, तो उस पे आपको क्या करना है, जीएसटी क्या करना है, पे करना है। तो आपको मधु एंटरप्राइजेस से 1,00,000 रुपीज का क्या मिला है, एडवांस मिला है। चलिए आगे पढ़ते हैं, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जो हमारी कंपनी है सुभाषनी लिमिटेड, इन द मंथ ऑफ किस में, मई में, बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस, बिफोर सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस, द सैड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कैंसल्ड। कोई बात नहीं, अगर आपने रिसीट वाउचर क्या कर रखा है, इश्यू कर रखा है, तो अब आप रिफंड वाउचर इश्यू कर दीजिए, और रिफंड वाउचर इश्यू करने के बाद में आप RFD 01 क्या करिए, फाइल करिए, और रिफंड क्लेम कर लीजिए, जो भी आपने 1,00,000 पे जीएसटी क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ओके, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि रिफंड वाउचर जो इश्यू होता है, उससे हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, क्योंकि उसके रिटर्न में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए बस एक ही तरीका है, रिफंड क्या करिए, क्लेम करिए, लेकिन कब, जब अगर आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करी हो। अगर टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दी है, तो अब क्रेडिट नोट इश्यू होगा, क्रेडिट नोट इश्यू होगा, तो जिस महीने में क्रेडिट नोट इश्यू होगा, उस महीने के रिटर्न में आप उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, और उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिड्यूस कर दिया जाएगा, अगर उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर नहीं बनती है, तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, दोनों चीजें होती है अगर क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, लेकिन क्रेडिट नोट तभी इश्यू होता है जब टैक्स इनवॉइस इश्यू हुई हो। सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन बोल रहा है, इन द मंथ ऑफ मई, बिफोर सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस, द सेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कैंसल ओइंग टू कौन सा है, सम क्या है, इन एडवर्टेंट सर्कमस्टांसेस। हाउएवर, हमारी जो कंपनी है, इन्होंने इश्यू कर चुके थे क्या, इनवॉइस इश्यू कर चुके थे, जब इनको क्या मिला था, एडवांस मिला था अप्रैल में, और उस पर जीएसटी पे कर दिया था। अब आप यू आर द टैक्स कंसल्टेंट है, ओके, आपको एडवाइस करना है कि क्या हम रिफंड क्लेम करें, या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू करी है, रिसीट वाउचर इश्यू नहीं करा है, तो अब रिफंड वाउचर इश्यू नहीं कर सकते, अब आप टैक्स क्रेडिट नोट इश्यू करें।
जिस महीने में क्रेडिट नोट इश्यू करें उस महीने की रिटर्न में आप उसकी इंफॉर्मेशन दें और उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अगर उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो आप RFD 01 से उसका रिफंड क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, ओके, नम्रता एंटरप्राइजेस है, रजिस्टर्ड पर्सन है, CGST SGST पे कर दिया, ट्रांजेक्शन जो इनको इंटरस्टेट लगी, जबकि सब्सिक्वेंटली ये तय हुआ कि वो सप्लाई तो इंटरस्टेट थी एज पर सेक्शन 77। अगर आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन करके रॉन्ग टैक्स पे कर दिया है तो आप रॉन्ग टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, करेक्ट टैक्स का पेमेंट करें, और वो भी आप विदाउट पेमेंट ऑफ किसके साथ करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे। आप CGST SGST का रिफंड ले सकेंगे, इस पे कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा और जिसने पे करा है उसको इसका रिफंड मिल जाएगा एज पर 54 सबसेक्शन 8 रिफंड के अंदर। और IGST अब आप पे कर सकेंगे और वो भी कौन सा होगा, विदाउट पेमेंट ऑफ क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो ये वाला पॉइंट भी क्या था, बहुत ही क्या था, सिंपल था। इसके बाद हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा किसको लेके है, कस्टम्स को लेके है, कस्टम एक्ट को लेके है, कंप्यूटेशन ऑफ किसको लेके है, ड्यूटी को लेके है। कस्टम्स के अंदर ड्यूटी कंप्यूट करना बहुत ही सिंपल टास्क है, बिल्कुल भी क्या टफ टास्क नहीं है, अगर प्रोविजन की नॉलेज अच्छे से, वर्ड्स की नॉलेज है हमें। अब ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, रुद्राक्ष दिए हैं, कोलकाता के हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल आर्टिकल्स कर रहे हैं, इट हैज डिसाइडेड टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो मशीनें खरीद लो, इन द करंट ईयर में डिसाइड किया, देयरफॉर इट इंपोर्ट्स ए मशीन फ्रॉम वेसल। अच्छा रहा क्वेश्चन वेसल का है, मतलब अच्छा नहीं रहा कि वेसल का है, वर्ड्स अजीब हो गए, एयर का होता तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता, एयर का होता तो हमारे लिए करने की कंप्यूटेशन उसमें ज्यादा होती, हम ज्यादा एग्जाम से पहले और सीख पाते। अब चूंकि ये क्वेश्चन क्या है, वेसल का है, तो एयर को लेके हम ऑलरेडी कस्टम्स के क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिकल, और ड्यूटी को कंप्यूट करने के लिए हमने दो दो वीडियो क्या करे थे, मतलब दो दो सेशन लगाए थे, दो लेक्चर लगाए थे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो उसको अच्छे से कर लें, क्योंकि एयर के केस में क्या ट्रीटमेंट होता है, एक आरटीपी में दिया हुआ था, अरे एक हम नॉर्मल लॉ से कर रहे थे, तो दोनों को समझाया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या लॉजिक डिफरेंस है, वो हमने इनफ तरीके से क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चन पे आते हैं, वेसल से है तो ये क्वेश्चन टफ हो नहीं सकता, ओके। तो जॉर्ज इनकॉर्पोरेटेड USA से मशीन इंपोर्ट करी एट ए प्राइस ऑफ $31,650, इसी में इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री, फ्रॉम किससे है, फैक्ट्री, तू कहां से है, US के पोर्ट तक, वेसल से आया तो पोर्ट तक, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड है $2,500 के, और हैंडलिंग चार्जेस जो वहां पर हुई है, वहां पर जो हैंडलिंग चार्जेस होती है वो वैल्यू का पार्ट बनते हैं, और वो भी इसी में इंक्लूड है, 1750। अब ये क्वेश्चन एयर का होता तो अच्छा होता क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वेसल का है तो टफ रहा नहीं, इजी हो गया, गलती होने के चांसेस नहीं है। अब रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कर लेते हैं, चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क, हाँ ये वैल्यू का पार्ट बनेंगे, ये वैल्यू का पार्ट बनेंगे, FOB वैल्यू का पार्ट बनेंगे, इफ अंडरटेकन एल्सवेयर इन क्या हो, इंडिया हो, एज एक्सप्लेन्ड इन रूल 10, सब रूल कौन सा है, 1 है, हमको रूल 10 सब रूल किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है वहां पे, और यहां पर लिखा हुआ है कि ये कहां पर प्रीपेड है, इन US में, तो ये वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे, ये हमारी वैल्यू का पार्ट बनेंगे, और वैल्यू का तो पार्ट बनेंगे और FOB वैल्यू का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। बाइंग कमीशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, रूल 10 सब रूल 1 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है इसके ऊपर। फ्रेट चार्जेस, बाइंग कमीशन का मतलब फॉरेन में जो एजेंट है जो हमको रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्टर के सामने, उसको पे करने वाला कमीशन जो होता है। अच्छा, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम USA टू इंडिया वैल्यू का पार्ट बनने, रूल 10 सब रूल 2 से एडजस्टमेंट होता है। अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस है, पेड करें एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, हम इंडिया में आने तक की क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, आने के बाद में जो खर्चे होते हैं वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते हैं, तो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे जो हुए हैं, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे लोडिंग अनलोडिंग हुए हैं, ये हमारी वैल्यू का क्या नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनेंगे। बाइंग कमीशन भी हमारी वैल्यू का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। एक्सचेंज रेट हमको कंसीडर करके दी हुई है कितनी, 60। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, इसमें एज सच करने लायक कुछ रहा नहीं है,
पहले हमको दिया हुआ था वैल्यू कितनी दी हुई थी, 31,000 कौन सा है, 650, और इसके अंदर 1750 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, अब इसकी एफओ भी निकल जाएगी ये इसकी, ठीक है ना, जो डिजाइन के चार्जेस हैं वो ऐड करेंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, एफओ भी बन जाएगी, तो 33,000 कितना हो जाएगा, 400 हो गया डॉलर्स में, 33,000 कौन सा है, 400 है, 33,000 कौन सा है, 400 है, ये लीजिए 33,400 एफओबी हो गया है। इसके बाद में हमको ऐड करना है, हमको ऐड करना है क्या, ट्रांसपोर्टेशन $3,000 है, वो कौन सा है, $3,000 है, और ऐड करना है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो एफओबी वैल्यू का 1.125% कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए, एफओबी वैल्यू का कितना है 1.125%, 1.125% दैट इज 375 पॉइंट कौन सा है, 75, और ये हमारे लिए अब असेसेबल वैल्यू आ चुकी है 36,775 पॉइंट कौन सा है, 75। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सारे डॉलर्स में इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन रुपीस में है वो तो वैल्यू का पार्ट बननी नहीं है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 60 से, तो हमारी असेसेबल वैल्यू INR में 22,06,545 हो गई है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका हमने क्या कर दिया, वैल्यूएशन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन एयर का होता तो कुछ करने लायक होता इसके अंदर, आप जरूर, आपके लिए एक होमवर्क समझिए कि एयर को लेके जो भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें जो हमारा एक्सपोर्टर उसकी फैक्ट्री से लेकर एयरपोर्ट आने तक का ट्रांसपोर्टेशन दिया हो, वहां पे लोडिंग हैंडलिंग के भी चार्जेस अलग से दिए हो, और वहां से इंडिया पोर्ट तक के क्या ट्रांसपोर्टेशन जो दिए हो, ओके, एयर के थ्रू, तो उन क्वेश्चन को आप जरूर क्या है करिएगा। चलिए अब इसके बाद में हम हमारे आरटीपी के लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 20 है, विथ रेफरेंस टू क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, री एक्सपोर्ट मतलब सेक्शन 74 ऑफ ओके कस्टम एक्ट 1962। आपको ब्रीफ में आंसर देने, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ री एक्सपोर्टेशन, 2 ईयर्स, और बोर्ड सफिशियंट रीजन हो तो उसको क्या कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है 2 ईयर्स के लिए। व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक विदाउट यूज करो तो 98% है, और आफ्टर बींग पुट टू यूज, हालांकि क्वेश्चन ने विदाउट यूज ही पूछा है तो विदाउट यूज 98 है, आफ्टर बींग पुट टू यूज के लिए हमने देखा था 95 भी था, 85 भी था, फिर उसके बाद में 75 भी था, 75, 70, 65, 60, इस तरीके से रेट दी हुई थी, ओके, और 18 मंथ्स के बाद में कोई ड्यूटी ड्रॉबैक होता नहीं है, तो 95 थी, 85 थी, 75 थी, और 70 थी, 65 थी, और क्या थी, 60 थी रेट, ओके, और रेट कैसे, विद इन 3 मंथ्स, 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, 9 से लेकर 12, 12 से 15 और 15 से 18, इस तरीके से। थर्ड पार्ट है, इज ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ वीरिंग अप्रैल विदाउट यूज, विदाउट यूज है तो मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर बींग पुट टू यूज है तो प्रोवाइजो दिया हुआ है, 4 गुड्स दिए हुए, टी चेस दिया है, वेरिंग अप्रैल दिया है, एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म दी है, ओके, और अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म प्लेट्स दी हुई है, आफ्टर बींग पुट टू यूज उस पर कोई भी क्या नहीं मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है, लेकिन ये विदाउट बींग पुट टू यूज है तो आपको 98% क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था। तो यहां जाके हमने नवंबर 20 की जो आरटीपी है एंटायर हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल रीजनेबल, बहुत ही सिंपल थे, खासकर 14 से लेकर जो हमने 20 तक करे थे वो सिंपल थे, क्वेश्चन एमसीक्यू के जो आएंगे केस बेस जो आरटीपी में दिया आने के बहुत चांसेस हैं, और एमसीक्यू के अंदर क्या है, या फिर तो बिल्कुल सही या फिर क्या होता है, बिल्कुल रॉन्ग होता है। 14 से लेकर 20 तक आपने कुछ किया तो कुछ मिलेगा, आपने कुछ कुछ किया कुछ कुछ मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा किया थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, तो फोकस एमसीक्यू पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू तभी सही हो सकते हैं जब हमें लॉ की बेहतरीन नॉलेज हो वर्ड्स की, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन में हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, एक एक वर्ड को हम क्या करें ढंग से पढ़ें, कुछ भी ना भूलें, कुछ भी ना भूलें, ओके। तो यहां हम जाके हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।